بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين। तो हमने क्यूसी वन से ये सफर शुरू किया था। क्यूसी वन में हमने तीन हरूफ वाले अफ़ाल पढ़े, क्यूसी टू में हमने उन्हीं अफ़ाल के कमज़ोर हरूफ वाले टेबल्स पढ़े, क्यूसी थ्री में मज़ीद फ़ी, क्यूसी फोर में मोनस तस्निया और अस्माए मुश्तकात इसम मकान ज़र्फ़ तफ़ज़ील वग़ैरह, और क्यूसी फाइव में हमने जुमला इस्मिया फेलिया इन्ना वाला जुमला काना वाला जुमला और जोड़ियाँ सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। और क्यूसी सिक्स हम पांच कोर्सेज की तकमील के बाद हम पढ़ रहे हैं। और आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमने जो ग्रामर पढ़ी है वो सारी वही ग्रामर थी जो हम क्यूसी वन से पढ़ते आ रहे हैं। नई चीज़ उसमें दो से तीन हो सकती हैं नई चीज़ें, बाकी सारी वही थी, उसी को हमने दोबारा से रिवाइज किया। सिर्फ इस फर्क के साथ के क्यूसी वन से लेकर क्यूसी फाइव तक हमें टर्मिनोलॉजीज को अवॉइड किया था, हमने आसान रखा चीज़ों को, और क्यूसी सिक्स में हमने उसको उन इस्तिलाहात के साथ सीखा है। तो अच्छा, एक मैसेज आ रहा है कि आवाज़ क्लियर नहीं है, क्या सबके साथ ये मसला है या सिर्फ एक जगह पे मसला है? सर आवाज़ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है सर। तो फिर जिनकी क्लियर नहीं है वो जरा अपनी थोड़ी सी जो है ना वो चेक कर लें, या ये ऑप्शन भी है कि एक दफा डिस्कनेक्ट होकर दोबारा से कनेक्ट कर लें। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि माइक के मजीद करीब हो जाऊं। अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं, टाइम थोड़ा सा हमारा कम है, तो कोशिश करेंगे कि सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बुनियाद पर आते हैं, कोई भी लफ्ज़ आएगा तो वो क्या होगा, या तो होगा कलिमा, अरबी ज़ुबान में आने वाला कोई भी कलिमा, सॉरी वो क्या होगा, इस्म होगा, फेल होगा या हर्फ होगा। इस्म की तारीफ हमने पढ़ी थी, किसी शख्स चीज या जगह का नाम हो तो इस्म है, फेल जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और तीन जमानों में से कोई जमाना भी हो, माजी में हुआ, अभी हो रहा है, आइंदा होगा। हर्फ वो है कि जो इस्म भी नहीं है फेल भी नहीं है बल्कि इन दोनों को मिलाने के लिए काम आता है। इस्म की पहचान में हमने पढ़ा था कि उसके शुरू में अल आ सकता है, आखिर में तनवीन आ सकती है, और हमने क्या पढ़ा था, मुदाफ बन सकता है, सर वाउनून या नून भी ना, वाउनून या नून भी आ सकता है, उससे पहले हर्फ जर आ सकता है, हर्फ जर जब भी आएगा वो इसम से पहले ही आएगा, फेल से पहले नहीं आएगा। तो ये कुछ अलामतें थीं जिससे हम पहचान सकते हैं कि कलिमा इसम। फेल मफहूम और माने से पता चलेगा, उसके साथ कभी कुछ खास अल्फाज आ सकते हैं, मसलन लम फेल के साथ आएगा, लम्मा फेल के साथ आएगा, इसम के साथ नहीं आएगा। और कद फेल के साथ आएगा। हरूफ के लिए कोई ऐसा इस तरह की अलामतें नहीं, ये इस्म फेल और हर्फ। तो इसलिए हर्फ को हम फिलहाल थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। उसके बाद हमारा जो असल जो चैलेंज है, अगर मैं कहूँ पूरी ग्रामर को समझने के लिए जो चैलेंज है वो क्या है, एराब। अगर आप एराब को समझ गए हैं तो आपने पूरी अरबी ज़ुबान का जो स्ट्रक्चर है उसको आपने गोया, अगर आप एराब समझ रहे हैं तो आप बाकी चीज़ों को
अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। तो इसम हो, फेल हो या हर्फ, सॉरी इसम और फेल को हम ले रहे हैं, हर्फ को फिलहाल छोड़ रहे हैं। सॉरी, इसम के अंदर चार चीजें हैं, जिन्स, अदद, वसत और एरा। जिन्स का माना मुजक्कर मुअन्नस होना, अदद वाहिद तस्निया या जमा होना, वसत मारिफा या नकेरा होना, और एराब उसका मरफू मंसूब या मजरूर हालत में होना। ये बातें क्लियर हैं। अच्छा, फेल के अंदर अगर हम जाएं तो फेल इनमें से जिन्स पाई जाएगी, अदद पाई जाएगी, वसत नहीं होगी, एराब पाया जाएगा। ठीक है, फेल में वो सात नहीं है। गिमारिफा और नकेरा होना ये इसम की खासियत है, इसलिए जिन्स यानी फेल के बारे में हम कह सकते हैं कि ये फेल मुजक्कर के लिए या मुअन्नस के लिए अदद होगा, फेल वाहिद तस्निया जमा हो सकता है, और एराब उसी तरह मरफू मंसूब या मजज़ूम हो सकता है। अब उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा मजीद आगे चलें तो हमें आगे क्या मिलेगा, एराब। हम एराब को लेते हैं तो एराब जो है वो उस हिसाब से अगर हम करें तो दो तरह के बनेंगे, इस्म भी और फेल भी। मोरब मबनी, मबनी अगर हम जाएं तो मबनी हमें क्या क्या मिलेगा, हरूफ सब मबनी हैं, तमाम हरूफ मबनी हैं, अफाल में से फेल माजी, अमर और इसके साथ नहीं भी शामिल है, और मुजारे में जमा मुअन्नस, ये मबनी है। और अस्मा में जो मबनी है उनकी लिस्ट थोड़ी सी तवील है, ज़मीरें मबनी हैं, इशारात अस्माए इशारा मबनी है, अस्माए मौसूला मबनी हैं, और क्या है, कुछ अस्माए ज़ुरूफ़ बाज, यानी वो जो इंदा मता अयाना इस तरह के अल्फाज हैं ये मबनी हैं। तो हम मबनी को भी फिलहाल उस तरीके से नहीं ले रहे, हम फोकस करेंगे मौरब पर। पहले हम इसम का एराब लेंगे और फिर फेल का एराब। ठीक है जी, जब मौरब होगा इसम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसम जब मौरब होगा तो उसकी तीन हालतें हो सकती हैं, मरफू हो सकता है, मंसूब हो सकता है और मजरूर हो सकता है। तो रफा की अलामतें क्या हो सकती हैं, नसब की अलामतें और जर की अलामतें। रफा की अलामत में पहली अलामत है पेश, डबल पेश, वाओ, अलिफ। मिसालें अगर लें तो अल इंसानु सिंगल पेश है, रजुलुन डबल पेश है, वाव के साथ हो तो मुस्लिमूना, अलिफ के साथ हो तो मुस्लिमानी तस्निया में। तो ये चार किस्म की अलामतें हो सकती हैं रफा की। नसब की अलामतों में जाएं तो जबर, डबल जबर और या और अलिफ। अच्छा, इसको ले लें, रजुल के साथ अगर लें तो अगर अल के साथ होगा तो अर रजुल, ला बगैर अल के होगा तो रजुलन, या की मिसाल मुस्लिमीना, और इसी तरह तस्निया में भी मुस्लिमैनी, ये भी या की मिसाल है, और अलिफ की मिसाल आएगी अस्माए खमसा में, अबा बकरिन।
नसब की मिसालें होगी, यानी नसब इन सूरतों में आ सकती है। जर की अलामतें, जेर आएगी, डबल जेर या और जबर भी आ सकती है। हाँ, नसब में जेर भी आ सकती है, सॉरी जेर मैंने छोड़ दी थी, सिंगल भी और डबल जेर भी आ सकती है, और वो आएगी किस में? मुस्लिमातिन, और अल के साथ हो तो अल मुस्लिमाती। जर की अलामतें, रजुलिन अलिफ लाम के साथ और रजुली, या की मिसाल मुस्लिमीना और तस्निया में मुस्लिमैनी। और एक और सूरत है या वली, वो क्या है? अबी बकरिन, अस्माए खमसा। और जबर भी आ सकता है गैर मुनसरिफ में, मक्कता। कोई भी इसम जब हम देखते हैं तो हमें उसका एराब पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम उसको पहचानेंगे। जमा मोहनस सालिम भी आ सकती है ना, उसमें जबर आ सकता है जमा मोहनस सालिम में भी। जमा मोहनस सालिम में जबर तो नहीं आएगा ना? नहीं, नसब की मिसाल में आ सकता, वो नसब में आना चाहिए था। जी जी, वो लिख दिया। ठीक है सर, लिख दिया। कोई भी इसम है तो उसका जब हम एराब देखते हैं तो हमें तीन तरह के सवाल हमारे सामने आएंगे। पहला सवाल कि एराब क्या है, दूसरा ये एराब क्यों है, और तीसरा इसकी अलामत क्या है। ये तीन सवाल हैं। ये हमारी आज की रिवीजन का फोकस होगा। हमने एराब देखना है और एराब कि पहले एराब को पहचानना है कि ये लफ्ज यहाँ पे मरफू आ रहा है, क्यों मरफू आ रहा है, और रफा की अलामत क्या है। और यही प्रैक्टिस हमारी, फिर ये वन नोट आप शेयर कर देंगे बाद में क्लास से? जी जी, ये वीडियो भी शेयर होगी, वन नोट भी शेयर हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू सर। तो तीन अहम सवाल हैं एराब, हम जो आज ये जो पढ़ रहे हैं अभी, इसके बाद जो आयात हम देखेंगे तो उसमें हम सेलेक्ट करेंगे जिस भी लफ्ज़ को, हमारे तीन ही सवाल आएंगे। इसका इराब क्या है, क्यों है, और उसकी अलामत क्या है। अच्छा, इराब की ये तो सूरतें बता दी जो जाहिरन हमें नजर आ रही है, रफा नसब जर की, कभी पेश, कभी वाओ, कभी या, कभी अलिफ। एक सूरत होती है जिसको कहते हैं इराब तकदीरी। तकदीरी से क्या मुराद है कि है वो लफ्ज मौरब और तकदीर और मुकद्दर तो ये है कि उसका एराब में ये होता, लेकिन उस लफ्ज की बनावट ऐसी है कि वो अपने मुकद्दर को कबूल नहीं कर पा रहा। मसलन एक लफ्ज है हमारे पास मूसा, आखिर में खड़ी जबर है। अब इसको अगर हमने मरफू हालत में लिखना है तो भी ये मूसा है, मंसूब हालत में होगा तो भी मूसा है, मजरूर हालत में होगा तो भी मूसा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे रफा की हालत में हम कहेंगे रफा है। और अच्छा, एक सूरत और, सॉरी एक चीज और मैं पहले मेंशन कर दूं ताकि वो बात क्लियर हो जाए। वो क्या है, हम आमतौर पर उर्दू में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं ये पेश है, ये जबर है, ये जेर है। तो पेश, जबर और जेर का अरबी में जब नाम लिया जाता है और एराब बताया जाता है तो वो कैसे बताते हैं? पेश को कहेंगे दम्मा और जबर को कहेंगे फतहा और जेर को कहेंगे कसरा। ये नाम भी याद रखिए, दम्मा पेश के लिए, जबर के लिए फतहा और जेर के लिए कसरा। तो अब हम यहाँ पे मूसा पे आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मरफू है बिद्दम्मा अल-मुकद्दरा। मुकद्दर तो ये था कि रफा की हालत में ये जम्मा के साथ आता, लेकिन चूंकि इसके आखिर में बनावट अलिफ वाली आवाज आ रही है इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से दम्मा छुप गया है
लेकिन इसका मुकद्दर जो है वो दम्मा ही है। यहाँ पर ये नसब की हालत में आ रहा है तो हम इसको कहेंगे मंसूब बिल फतहा अल मुकद्दरा, और ये मजरूर है तो उसको भी हम इसी तरह लिख देंगे मजरूर बिल कसरा अल मुकद्दरा। तो ये एक तकदीरी एराब की सूरत है। अब हम आते हैं मरफू इसम के एराब की सूरत। इसम के अंदर तीन तरह का एराब है, मरफूआत, कुछ इसम वो हैं जो मरफू होंगे, कुछ इसम वो हैं जो मंसूब हालत होगी, और कुछ मजरूरा। सबसे कम किस में आते हैं, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा आप लोग साथ साथ पार्टिसिपेट करें। कोई मुझे बताएगा सबसे कम नंबर्स किसके हैं, मरफूआत कम है, मंसूबात या मजरूरात? मजरूरात आते हैं, मजरूरात। अच्छा, आपको ये एक बता दें मुझे वो दो कौन कौन से हैं। मैं बताऊं? जी जी सलमान सर। एक तो हर्फ जर के साथ आएगा, हर्फ जर के साथ आएगा, और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह की शक्ल में जब आएगा। दूसरा मुज़ाफ़ इलैह, ये मजरूरात सिर्फ दो हैं। उसके बाद बारी आती है किसकी, मंसूबात और मरफूआत में से कौन से ज्यादा हैं? मंसूबात ज्यादा हैं, मंसूबात ज्यादा हैं। तो बता सकता है कितने हैं? 11 थे। ग्रुप में आज 6 रुए हुए थे, 12 है सर, 12। तो उनमें से सबसे पहला मफ़ऊल बिही, दूसरा मफ़ऊल फीही, तीसरा मफ़ऊल लहू, चौथा मफ़ऊल माहू, पांचवा मफ़ऊल मुतलक, छठा इन्ना वगैरह का इसम, सातवा काना की खबर, और भी हैं, हाल है सर, हाल, हाल, तमीज, तमीज, मुसन्ना, और मुस्तस्ना, और ग्यारहवा लाए नफी जिन्स, सर हो गया, मुनादा रह गया सर, मुनादा। मफ़ऊल अजली ही नहीं है, मफ़ऊल लहू और मफ़ऊल अजली एक ही है। ठीक है सर, अजली ही और लहू एक ही है। और बारवां है सादा मज़ाफ, माला, जी माला की जो है वो क्या खबर, ये शायद हमने देखी नहीं है। बहरहाल ये काना के साथ हमने इसको अटैच कर लिया, तो इसके साथ या वाला जो मुनादा और मुनादा मुदा। तो चले हम माँ व ला की खबर को स्किप करते हैं, वो काना के साथ आ जाएगी। माँ और ला की खबर को हम छोड़ देते हैं, हम बारवा ले लेते हैं मुनादा मुदा। ये 12 रोल्स हैं जिनमें जब कोई भी इसम आएगा तो वो क्या होगा, क्या? अच्छा, ये मेरी लाइन जो है वो टेढ़ी हो रही है तो उसको इग्नोर कीजिए प्लीज, ये ऊपर से यूं चलती आ रही है, डायगनल आ रही है, ये अलग से राइटिंग पैड इस्तेमाल करने की वजह से है, सामने होता तो शायद ये तरतीब में आती। और मरफूआत कितने पढ़े थे हमने, 8। नंबर 1 फाइल, नंबर 2 नाइब फाइल, नंबर 3 मुब्तदा, नंबर 4 खबर, 5 इन्न की खबर, 6 काना का इसम, और क्या था, 6 हो गए, 7वां क्या था,
लईसा वगैरह का इसम था। सर तो काना में ही आ जाए। लेस का इसम। सॉरी सर, काना के इसम के साथ ही लेसा का भी आ जाएगा ना, लेसा की कभी। जी लईसा उसके साथ आ जाएगा। और मुनादा जो मुफरद होगा यानी मुदाफ नहीं होगा। और आठवां वही माल आ वाला है, वो चूंकि हमने उसको अलग से डिस्कस नहीं किया था उसको लेते हुए, तो ये सारा जो है ना वो आज के उस सब का खुलासा आपके सामने है। फाइल हम जानते हैं फाइल क्या होता है, एक एक मरफूआत से शुरू करते हैं। फाइल क्या है, किसी भी काम का फेल आया और उसका करने वाला जो होगा वो फाइल है। सिंपल इजी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नायबुल फाइल क्या होता है, फेल अगर मजहूल की सूरत में इस्तेमाल हो रहा है, फेल मजहूल है, पैसिव वर्ब आ रहा है, तो उसका जो मफरूल था उसी को नायब फाइल बना दिया जाता है। मसलन हमारे पास एक फेल मजहूल है दुरीबा, मारा गया, किसको मारा गया, जैद को। तो अब यहां पर मफहूम के एतबार से देखें तो जैद क्या है, मफूल है, मफहूम। और तर्जमे को देखें तो जैद क्या है, मफूल है, यानी मारने वाला कोई और था जिसको मार पड़ी वो जैद है। लेकिन फेले मजहूल जब अरबी में आता है तो इसमें मजहूल कहते ही इसलिए कि इसमें काम करने वाले का पता नहीं होता, इसका फाइल मजहूल होता है। तो फाइल जब मजहूल है तो अब फाइल की जगह पर मफूल आ जाएगा और वो रफा की हालत में आता है, दुरीबा जईदुल, ठीक है। कुरान में हमने आयात पढ़ी, जुय्यिना लिल्लज़ीना कफरू अल हयातुद दुनिया, शायद पढ़ी थी अभी पिछले दिनों ही। जुय्यिना फेल मजहूल था, तो इसके लिए जो नायबुल फाइल आ रहा था वो क्या था, अल हयातुद दुनिया, मुजयन कर दी गई दुनिया की जिंदगी। तो मुजयन करने वाला तो कोई और है, अल हयातुद दुनिया तो वो चीज है जिसको मुजयन किया गया है, लेकिन चूंकि जुय्यिना फेल मजहूल की फॉर्म में आया है इसलिए अल हयातुद दुनिया जो कि असल में तो मफहूम के एतबार से मफूल है लेकिन फेल की मजबूरी की वजह से इसी को हमने मरफू हालत में लिख दिया, इसको कहते हैं नाइबुल फाइल। नाइबुल फाइल सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को नाइब फाइल में। अल्हम्दुलिल्लाह। मुब्तदा जुमला इस्मिया में से जो पहला इस्म होता है वो मुब्तदा होता है और उसकी शराइत हमने किसी फाइव में भी पढ़ी थी कि वो आमतौर पर अल के साथ आता है यानी मारिफा की फॉर्म में आता है आमतौर पर। और उसके बाद एक दूसरा होता है जो आमतौर पर नकेरा होता है, वो खबर होती है। तो जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स बनते हैं, दोनों मरफू हालत में होंगे। इसी जुमला इस्मिया से पहले अगर इन्ना ऐड कर दिया जाए तो जो मुब्तदा था उसको इन्ना का इसम कह देते हैं और जो जिसको हम सिंपल खबर कह रहे थे उसको इन्ना की खबर कह देते हैं। इन्ना की खबर जो है वो मरफू हालत में आएगी। काना का इसम वही जुमला इस्मिया हो उससे पहले काना लगा दिया जाए तो काना का इसम यानी जो पहले मुब्तदा था अब वो काना का इसम बन जाएगा, वो भी मुब्तदा होगा। और मुनादा मुफरद, मुफरद जब हम बोलते हैं तो मुफरद दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक मुफरद है जब इसके आगे जो आएगा मुफरद तस्निया और जमा, इसको हम दूसरे लफ्जों में वाहिद भी कहते हैं। और दूसरा मुफरद है मुफरद और इसके मुकाबले है मुदाफ, ठीक है। यानी इस मुफरद से मुराद क्या है कि वो मुदाफ ना हो, हमारे पास दो जगह हर्फ निदा आया, एक जगह आया या जईदू और एक जगह आया या अब्दुल्लाह। तो जईदू ये एक सिंगल वर्ड इसम है तो ये मुफरद है मुदाफ नहीं है, तो ये रफा की हालत में आएगा। जबकि या अब्दुल्लाह ये मुरकब इजाफी है, मुजाफ और मुजाफिल है, तो इसमें जो पहला है मुजाफ और हम किसी फाइव से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि मुरकब इजाफी या किसी फाइव में हमने पढ़ा था ताल्लुक की जोड़ी,
उसमें जो पहला इसम होता है उसकी एराब की हालत तो चेंज होती है, वो कभी रफा में चला जाएगा, कभी नसब में, कभी जर में, एज पर कॉन्टेक्स्ट रिक्वायरमेंट, लेकिन जो दूसरा है वो हमेशा मजरूर ही रहेगा। तो दूसरा तो मजरूर रहेगा, जो पहला है जिसको हम मुजाफ कहते हैं वो चेंज हो जाएगा, और उसी के ऊपर यहाँ पर आ रहा है नसब की हालत आ रही है या अब्दुल्लाह। मुनादा मुफरत भी आई होप क्लियर है। मुनादा मुफरत में नहीं, तनवीन नहीं आएगी, मुनादा मुफरद में तनवीन नहीं होगी। ठीक है, या रजुलु जी, इसको एक दफा और से जरा समझाइएगा मुनादा मुफरद को। मुनादा मुफरद तो मनसूब नहीं हो जाएगा, कौन सा वाला? ये अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मनसूब है ना, अब्दुल्ला तो मनसूब है, वो मुजाफ नहीं है। हम तो रफा वाला मरफू पढ़ रहे हैं ना जी, मरफू पढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ पर ये दोनों लिखे हैं ये पहचान करवाने के लिए कि मुफरत से क्या मुराद। ठीक है, ठीक है। देखिए हम मुफरत बोलते हैं, आप अरबी जुबान की कोई किताब देखेंगे, ग्रामर की कोई किताब देखेंगे या कोई लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको मुफरत सुनने को बार बार मिलेगा, ये मुफरत है या क्या है। तो एक मुफरत जो है वो आपको मिलेगा कि जब उसके अपोजिट आ रहा होगा तस्निया या जमा, एक दफा मुफरत बोला जाएगा या लिखा जाएगा तो उससे मुराद होगा कि ये सिंगुलर है और इसके आगे डुअल आएगा या प्लूरल आएगा। और एक सूरत में भी, एक और सूरत में भी मुफरत आएगा, यानी एक लफ्ज़ बोला जाएगा ये मुफरत है तो उसके जो अपोजिट आ रहा होगा वो तस्निया या जमा या डुअल या प्लूरल नहीं होगा, बल्कि उसके अपोजिट आ रहा होगा कि ये मुरक्कब है, कंपाउंड है, ये एक सिंगल वर्ड है और ये उसके मुकाबले में एक कंपाउंड है। तो जब हम मुनादा के साथ कहते हैं मुनादा मुफरद, तो उससे मुराद हमारी मुनादा मुफरद से वो वाला मुफरद मुराद नहीं है जिसके मुकाबले में तस्निया या जमा डुअल और प्लूरल आता है, बल्कि उससे मुराद वो है जिसके मुकाबले में कंपाउंड आता है, यानी मुफरद है यानी मुजाफ नहीं है, मुनादा मुफरद हो यानी मुजाफ ना हो। अगर मुजाफ होगा तो उसका एराब कुछ और होगा, और अगर मुजाफ नहीं होगा तो फिर उसका एराब कुछ और होगा। ठीक है जी, मुफरद दो तरह से हमें देखने को मिलेगा, एक मुफरद आएगा मुफरद तस्निया जमा, ये वाहिद की तरह, वाहिद सिंगुलर डुअल या प्लूरल, और एक मुफरद हमें मिलेगा मुफरद या मुरक्कब या मुफरद और मुजाफ, ये एक दूसरी कैटेगरी है। जब हम मुनादा के साथ मुफरद लगाते हैं तो इससे मुराद हमारा यही होता है कि मुनादा मुफरद है यानी ये मुजाफ नहीं है। मरफूआत के अंदर आने वाले सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हैं। मनसूबात पे आ जाए, मफूल भी ही सिंपल, वो सादा मफूल जिसके ऊपर फेल का डायरेक्ट असर पड़ा है, उसका ताल्लुक है इसके साथ डायरेक्ट, उसको मफूल भी कहते हैं। मसलन दराबा जईदन खालिदन, तो खालिदन वो शख्स है जिसको मार वाला काम जिस पर वाकई हुआ है, ठीक, तो मफूल भी ही उसको कहते हैं। मफूल फी ही, फी का लफ्ज़ बता रहा है कि फी ही, मफूल फी ही उसमें काम किया गया, फाइल का माना काम करने वाला, मफूल जो काम किया गया, मफूल फी ही काम किया गया उसमें, काम किया गया उसमें, उसमें से फिर दो सूरतें हो सकती हैं, या तो उस मैं से मुराद यह है कि उस जगह यानी जिस जगह काम किया जाए उसको बताना हो तो वो मफूल फी ही होगा, या उस टाइम को बताना मकसूद हो। ठीक है, हमारे पास एक ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान इसको कह देते हैं। मसलन एक जुमला लिखते हैं, दाराबा ज़ैदुन खालिदन امام البيت مساء۔ اب اس جملے میں اگر ہم دیکھیں تو ضرب ہو گیا فعل، زید اس کا فاعل، خالدا مفعول به، امام البيت مساء۔ امام البيت کا معنی گھر کے سامنے، مساء کا معنی شام کے وقت۔ तो ये दो चीजें बता रहा है, अमामल बैत उस प्लेस को बता रहा है और मसाअन टाइम को बता रहा है, तो ये दोनों मफूल फी ही कहलाएंगे। अमामा ये भी मफूल फी ही है, ये प्लेस बता रहा है और मसाअन जो है ये वक्त बता रहा है, ये दोनों मफूल, यानी मफूल फी ही में
जमाना भी हो सकता है या मकान भी हो सकता है। फेल होने की जगह या फेल होने का वक्त, दोनों जब बयान किए जाए तो वो मफूल फी ही होता है। ये बात भी उम्मीद है क्लियर है। मफूल लहू या मफूल ली अजल ही, इसके नाम से जाहिर है जिस मकसद के लिए काम किया जाए, जो ऑब्जेक्टिव था काम करने का। इसी जुमले के आगे मैं लगा देता हूँ, दरबा ज़ैदुन खालिदन अमाम अल-बैती तादीबन, तादीबन का माना अदब सिखाने के लिए, अदब सिखाने के लिए, उसको मुहज़्ज़ब बनाने के लिए। तो अब ये हो जाएगा ज़रबा फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल बिही, मफ़ूल फ़ीह, दो आगे, और उसके बाद तादीबन को हम कहेंगे कि ये मफ़ूल लहू या ली अजली ही है, ये वो वजह थी जिस वजह से उसने ये काम किया है। ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने खालिद को मारा, क्यों मारा? तादीबन, अदब सिखाने के लिए मारा। ठीक है, जैसे कुरान में आयत आई थी, वद्द कसीरु मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, हसद की वजह से, यानी जो उनके दिलों में हसद है तुम मुसलमानों से, उस हसद की वजह से वो ये चाहते हैं कि तुम दोबारा से लौट जाओ अपने पुराने जो है वो आबाओ अजदाद के दीन पर, ईमान के बाद फिर से तुम कुफार बन जाओ। मफूल लहू हो गया, मफूल माउ। एक चीज बताइए कि ये जो मफूल फी जो आपने बताया, मफूल फी ही, ये एक से ये हमेशा एक से ज्यादा होंगे, ये एक अकेला भी हो सकता है? अकेला भी हो सकता है, सिर्फ टाइम की जब बात होगी अगर तो वो अकेला वो भी मफूल फी होगा। यानी ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं पर पढ़ रहे हैं कुरान में या कहीं पर भी तो वहां पर ये दो ही होंगे, जरूरी नहीं है, ये कभी एक हो सकता है कभी दोनों हो सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ फेल ऐसे होते हैं कि जहाँ पर दोनों चीजें मेंशन की जाती हैं, कि उसकी जगह भी बता देते हैं और वक्त भी बता देते हैं, और कभी एक चीज बता देते हैं और कभी दोनों छोड़ दिए जाते हैं। अक्सर जगहों पर जरूरी नहीं है कि हर फेल के साथ मफूल फी ही हो। ये बात ध्यान में रखें, जब भी फेल आएगा उसके साथ फाइल जरूर होगा, जब भी फेल आएगा तो उसके साथ फाइल जरूर होगा, मफूल होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और इनकी तरतीब यही रहेगी जो आपने जैसे बताई, तरतीब में फेल के बाद फाइल और फाइल के बाद मफूल है। अब वो मफूल पांच सूरतों में आ रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कभी मफूल फी ही पहले आ जाएगा और मफूल भी ही बाद में चला जाए, वो कॉन्टेक्स्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो की मुनासबत से वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन फिर मफूल पांचों मफूल आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। ये फिर मजहूल के साथ मफूल का होना जरूरी है, जरूरी है कि फेल पहले आएगा फाइल बाद में आएगा, मजहूल के साथ नायब फाइल का होना जरूरी है, वो पाया जाएगा, वो होता है लाजमी। और उसके साथ साथ अच्छा मफूल माहू थोड़ा सा ट्रिकी था कि वाओ, एक वाओ इस्तेमाल होता है जो माह के माना में इस्तेमाल हो रहा होता है और उसके बाद एक मंसूब आता है जो मफूल माहू कहलाता है। इसकी मिसाल कुरान में मेरे ख्याल से एक या दो जगहों पर ही आई है, तो हम इस पर ज्यादा, कुरान में मेरे ख्याल से एक जगह पर आया है युसब्बिहना वत्तैरा, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में वो आयत है, अभी मुझे पहली वो नहीं आ रही, वत्तैरा जो है यह इसकी मिसाल है, किसी के ज़हन में हो तो अगर बता दें। सर वाव का दोबारा बता दें, वाव का क्या है? ये वाव जो है वत्तैरा, वाव इसको कहते हैं वाव बमाना मा, ये वाओ माँ के माना में इस्तेमाल हो रहा है कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आता है कि वो जब चलते थे तो उनके साथ साथ जो है वो
परिंदे भी तस्बीह किया करते थे, वो तस्बीह करते थे, हवाएं के साथ तस्बीह करती थी, वत्तईरा और हवाएं भी परिंदे भी जो है वो उनके साथ तस्बीह किया करते थे। तो वो वाव के साथ है, तो वाव वहां पर मा के माना में आ रहा है। कुरान में मेरे ख्याल से एक यही मिसाल है मफूल माऊ की। आम मिसाल जो दी जाती है वो सर्दी, आजकल सर्दी है तो सर्दी की मिसाल दी जाती है, जा अल बर्दू, सर्दी आई, वल जुब्बात, वल जुब्बाती, अल जुब्बाती जेर के साथ है तो ये मंसूब हालत है, वाओ बवाने माह है, तर्जमा किया जाता है इसका सर्दी आई ये गर्म कपड़ों के साथ, जुब्बात तो ये गर्मी के लिए मतलब सर्दियों के लिए जो गर्म कपड़े यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है जुब्बात। सर्दी गर्म कपड़ों के साथ आ गई, यानी जैसे सर्दी का मौसम आया तो गर्म कपड़े लोगों ने पहनने शुरू कर दिए, बाजारों में आ गए। ये मफूल माहू है। कुरान में चूंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं है तो हम इस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, आगे चलते हैं। मफूल मुतलक, एक्सक्यूज मी सर, इसकी एक आसान सी मिसाल ये भी हो जाएगी ना कि जा ज़ैदुन व बकरन, जा ज़ैदुन व बकरन, ये भी हो सकती है बिल्कुल, जैद बकर के साथ आया। मफूल मुतलक उस मस्दर को कहते हैं जो जुमले में एक फेल इस्तेमाल हो और फेल के बाद उसी फेल का मस्दर या उसी फेल के मफहूम का मस्दर इस्तेमाल हो और वो उसका मकसद हो जो फेल यूज हुआ उसकी ताकीद की। बस वो क्या है, सुभान अल्लाह हम कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमदन, ये जो आ रहा है ये हमद की जो है वो ताकीद के लिए और एम्फसाइज के लिए आ रहा है। ठीक हो गया, या अय्युल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन, तो क़ूलू फेल था उसके बाद क़ौलन मस्दर आया, तो ये क़ूलू अमर में एक हुक्म था उसके बाद क़ौलन सदीदन से फिर से लाकर जो है वो उसकी ताकीद की गई। इसको मफ़ूल मुतलक कहते हैं जो मस्दर की फॉर्म में आ रहा होता है। इन्ना का इसम जुमला इस्मिया मरफूआत में बात हो चुकी है, इन्ना का इसम वही जो मुब्तदा था वो इन्ना वाली सूरत में इन्ना का इसम बन गया। काना की खबर, खबर थी, काना लग गया तो काना की खबर बन गई। हाल और तमीज, हाल क्या है, हाल वो लफ्ज है जो फेल के फेल का जो फाइल था या मफूल, फाइल या मफूल इन दोनों में से किसी एक की हालत को बयान कर रहा हो कि जब ये काम कर रहा था या ये काम उसके साथ हो रहा था तो वो किस हाल में था। ये जो मिसाल दी थी ऊपर इसके साथ हम हाल ऐड करते हैं, ज़रबा ज़ैदुन खालिदन अमाम अल-बैती मसाअन तादीबन, इसके साथ अगर लिख दूं क़ाइमन खड़े हुए, ज़ैद ने खालिद को मारा घर के सामने शाम के वक्त अदब सिखाने के लिए खड़े हुए, खड़ी हालत में। अब ये खड़ी हालत फाइल की भी हो सकती है और मफूल की भी, यानी मारते वक्त जैद खड़ा था या मारते वक्त मार खाते वक्त खालिद खड़ा था, दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है इस जुमले में। लेकिन जब कहीं कुरान में इस्तेमाल होगा तो वहां हम कॉन्टेक्स्ट को देखकर पहचान सकते हैं कि ये हालत किसकी बयान हो रही है। इसको कहते हैं हाल। और उसके बाद आता है तमीज। तमीज कहते हैं कि जुमला आया उस जुमले के अंदर कोई इबहाम रह गया, एक जुमला लिखा गया अमता अफ़दलु मिन्नी, आप मुझसे अफजल हैं। अब पता नहीं है कि किस बारे में अफजल हैं, अंत अफजलु मिन्नी मालन, माल के एतबार से अफजल हैं, इल्म के एतबार से अफजल हैं, अमल के एतबार से अफजल हैं। तो ये इस इबहाम को दूर करने के लिए जो लफ्ज आता है उसको कहा जाता है तमयीज। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूं अंत अफजलु मिन्नी इल्मन, तो ये इल्मन ने आकर इस जुमले के अंदर जो एक ओवरऑल इबहाम पाया जा रहा था, ये तो बेसिक मफहूम तो था कि आप मुझसे बेहतर हैं, लेकिन किस एतबार से बेहतर हैं, वो इल्मन ने आकर उस इबहाम को खत्म किया, कंफ्यूजन को खत्म किया। जिस जो लफ्ज जुमले में
पाई जाने वाली कंफ्यूजन को दूर करे उसको कहते हैं तमजीज, और ये भी मनसूब हालत में इस्तेमाल होता है। मुस्तस्ना किसी एक कलेक्टिव हुक्म लगाया गया कुछ लोगों पर और उसमें से कुछ को उसमें से एग्जेम्प्ट करना है तो एग्जेम्प्शन के लिए इल्ला इस्तेमाल होता है, और इल्ला के बाद आने वाला जो इस्म होगा वो भी नसब की हालत में आएगा आमतौर पर। उसमें एक शर्त थी कि अगर कलाम जो है वो दो सूरतों में हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कलाम हो, मुस्बत कलाम हो, और उसके अंदर जिन लोगों से जिन अफराद से उसको निकाला जा रहा है वो भी मौजूद हों तो फिर मुस्तस्ना मंसूब हालत में आएगा। मसलन पॉजिटिव मुस्बत कलाम की मिसाल, जा अल कौम, मेरे पास कौम आई, इल्ला जैदन। अब अल कौम के अंदर जैद शामिल था लेकिन इल्ला के जरिए से उसको निकाल दिया, तो जिन से जिन बहुत सारे लोगों से बहुत सारे अफराद से इसको जैद को निकाला उनको भी मेंशन कर दिया गया, उसके बाद इल्ला ले आए, और इल्ला के बाद जिसको एग्जेम्प्ट करना है उसको जिक्र किया नसब की हालत में। और ये मुस्बत जुमला है, इसमें किसी को निगेट नहीं किया जा रहा, कौम आई मगर जैद के अलावा, जैद के अलावा, तो मुस्बत जुमला हो और जिससे निकाला जा रहा है उसको भी जिक्र किया जाए, और उसके बाद जो है वो इल्ला के साथ इस्तेमाल हो रहा हो, तो ये वाला मुस्तस्ना आमतौर पर जी ये मुस्तस्ना का मतलब क्या है? मुस्तस्ना का मतलब एग्जेम्प्टेड, जिसको निकाल दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। यहाँ पर देखिए ना, इस जुमले से क्या पता चले, जा अल कौम इल्ला ज़ैदन, कौम आई जैद के अलावा, तो एक हुक्म आने का एक बात जो बताई गई पूरी कौम के बारे में, बहुत सारे अफराद के बारे में कहा गया कि बहुत सारे लोग आए, तो वो जो आने वाला हुक्म था, आने वाली बात थी, इल्ला के साथ जैद लेकर आए तो वो जैद से वो वाली बात खत्म कर दी कि जैद भी उन लोगों के साथ शामिल तो है लेकिन वो आने में शामिल नहीं, तो इसको एग्जेम्प्ट कर दिया आने वाले हुक्म से, एग्जेम्प्शन एग्जेम्प्टेड को मुस्तस्ना कहा जाता है। और लाइन एफिजेंस का इसम ला इस्तेमाल होता है। सर सॉरी, ये आप कह रहे हैं कि ये नेगेटिव इस्तेमाल नहीं होगा, ये पॉजिटिव में होगा, मतलब इसमें पॉजिटिव में होगा, ये एक सबसे आसान सूरत है इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है इल्ला वाली। इसकी सूरतें काफी सारी बनती हैं, हमने वो पहले भी नहीं पढ़ी, अभी भी हम उस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे, हम बस उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। जहां जहां पर दूसरी सूरतें आती रहेंगी वहां पर हम बात करते रहेंगे कि ये सूरत भी मुस्तस्ना की मुमकिन है कि वो रफा की हालत में आ जाए। मसलन हम कलमा पढ़ते हैं, जब पहला कलमे के जो हमने याद किए हुए अल्फाज, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वहां पर इल्ला के बाद अल्लाहु आ रहा है रफा की हालत में, तो वो एक अलग वो है क्योंकि वो ला के साथ शुरू हो रहा है, नेगेटिव जुमला है, ला इलाहा ला के साथ है, तो इसलिए वहां पर इल्ला के बाद पेश की सूरत में आ रहा है। ला नफी जिंस, ठीक है सलमान साहब, क्लियर होगी आप? जी सर, जज़ाकअल्लाह। पूरी क्लियरेंस तो जाहिर है आगे जाकर आएगी, यहाँ तक जितनी बात थी वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ला जो है वो इस्तेमाल होता है दो मानों में, एक तो यह है कि चंद चीजों को इंडिकेशन की जाए, ला रजुलुन, और एक है ला रजुला। ला रजुलुन का माना है नहीं मर्द, ला रजुलुन नहीं मर्द। मर्द से मुराद क्या है, जो मतलब जिसको हम मर्द कहते हैं, हमारे माशरे में जो जवान आदमी है समझदार है उसको मर्द कहा जाता है, छोटा बच्चा है उसको मर्द नहीं कहा जाता, ठीक है। तो अगर कोई ये कहता है ला रजुलुन फिद्दारी, तो इसका मतलब ये है कि घर में कोई बड़ा मेल मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरा जुमला है ला रजुला फिल बैत, तो इसका माना क्या है कि जिनसे मेल, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, समझदार हो, बेसमझ हो, जैसा भी हो,
मेल मौजूद नहीं है घर में, तो जब हम ये ला इस्तेमाल करते हैं, जब वो एक पूरी जिन्स को निगेट कर दे, पूरी जिन्स की नफी कर दे, तो उसके लिए जो ला के साथ जिसको जिसकी हम नफी कर रहे होते हैं जिस जिन्स की, वो भी नसब की हालत में आता है। तो ये दोनों जुमले दुरुस्त हो सकते हैं, ला रजुलुन फिल बैती और ला रजुला फिल बैती, लेकिन दोनों के मफहूम में फ़र्क होगा। ला रजुलुन फिल बैत का माना होगा कि घर में कोई समझदार मर्द मौजूद नहीं है, घर में कोई समझदार मर्द मौजूद नहीं है, ये मेच्योर मौजूद नहीं है, बड़ा मौजूद नहीं है, जवान मौजूद नहीं है, मुख्तलिफ पॉसिबल माने हो सकते हैं। लेकिन जब हम ला रजू ला फिदार कहेंगे जबर के साथ, तो इसका माना होगा कि मेल में से कोई भी जो है ना वो मौजूद नहीं है, वो बच्चा हो सक बच्चा भी नहीं है, बूढ़ा भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अकलमंद पागल मजरूम कोई भी नहीं है, मेल है ही नहीं, सिर्फ फीमेल या कुछ और है व्हाट्स एवर, लेकिन मेल नहीं है। इसकी भी एक और एग्जांपल भी देंगे, इसकी और में और एग्जांपल क्या दें, एक ला किताबुन फिल मक्तबती और ला किताबा फिल मक्तबती। देखें ला किताबुन जो है इसका मतलब है कोई खास किताब की बात हो रही है, जो किताब मौजूद नहीं है, और ला किताबा फिल मक्तबा से मुराद ये है कि कोई किताब है ही नहीं लाइब्रेरी में, छोटी बड़ी इस तरह की कोई कोई किताब है ही नहीं। लेकिन ला किताबुन जब आएगा तो उसका माना होगा है और किताबें तो है लेकिन खास किताब जिसकी कोई बात हो रही थी या पूछा जा रहा था वो मौजूद नहीं। जी सिस्टर सीमा, सर ये ला रजुला फिल बैती जो आपने एग्जांपल दिया है, इसमें आपने कहा घर में कोई मर्द नहीं है, तो ये इसका मफहूम ये है कि घर में इस तरह कोई मर्द नहीं है या घर में कोई मर्द है ही नहीं, दो हमारे घर में कंप्लीट ये बात हो रही है कि आप पूछते हैं किसी के घर पे आपने बेल दी और आपने जाकर पूछा जी जी सर के कोई घर में कोई है, कोई मेल है तो उसको भेज दें, कोई मेल है तो उसको भेज दें। आमतौर पर हमारे जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है जब हम किसी के घर जाके बेल देते हैं और कहते हैं जी किसी मेल को भेजें बाहर, तो उससे मुराद हमारी क्या होती है, क्या कोई भी मेल आ जाए, तो दो साल का बच्चा आ जाए, नहीं, हम ये सोच रहे होते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई समझदार आदमी है जिससे हमने कोई बात करनी है, हम उसको बात कर सकें, कोई अपना पैगाम दे सकें। तो जब ये उन्होंने कहना है कि कोई नहीं है समझदार वाला, तो फिर तो ला रजुलुन कहेंगे जवाब आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं जी कि ये एक घर था, इस घर के अंदर जो है वो इतने इतने लोग थे, ऐसे ऐसे थे, लेकिन इसमें सारी औरतें थी, मर्द कोई भी नहीं था, तो फिर हम कहेंगे ला रजुला फिल बैत। ठीक हो गया, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, मंसूब हालत में हो तो ये हमेशा सिंगल पता आएगा, तनवीन नहीं आता, तनवीन नहीं आएगी। जी जी सर, ला रैबा फी भी है ना शुरू में, ला रैबा फी भी इसी की मिसाल है, ला रैबा फी ही और ला रैबुन, ला रैबुन अगर हो तो फिर क्या माना हो जाएगा, ला रैबुन फी ही इसमें शक नहीं है, इसमें सर पूरी जिन्स की नफी नहीं है, लेकिन जब ला रैबा कह दिया तो इसका माना है कि किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और मुनादा मुजाफ की बात हो चुकी, मुजाफ मुरक्कब इजाफी की सूरत में जब मुनादा आएगा तो वो मंसूब होगा। इसके अलावा मजरूरात हरफ जर के साथ इसम आएगा तो वो मजरूर होगा, और मुजाफ इलैह भी मुरक्कब इजाफी हम देख चुके हैं। उसके अलावा ये तो मरफूआत मंसूबात और मजरूरात थे, फिर हमने एक चीज़ और देखी थी, क्या मुरक्कबात जो हमने देखे, मुरक्कबात क्या थे, चार किस्म के मुरक्कब हमने देखे, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी।
वो भी यहाँ पर किसी हद तक डिस्कस हो चुके हैं। मुरक्कब तौसीफी की चार शरायत थी, मुरक्कब तौसीफी की बात थी कि चार चीजों में दोनों इसम एक जैसे होंगे, चार चीजों में दोनों इसम एक जैसे होंगे, जिन्स अदद वसत और एराब, यानी मुजक्कर मुअन्नस वाहिद जमा और मारिफा नकिरा और रफा नसब और जर। इन चारों चीजों में जब दो इसम फुल्ली कोऑर्डिनेट कर रहे हों तो वो आमतौर पर मुरक्कब तौसीफी होता है। पहले को मौसूफ कहते हैं, दूसरे को सिफत कहते हैं, और एक जो है वो बुनियादी शर्त है कि उन दोनों में से जो पहला इसम है उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो मौसूफ बन सके। ये जरूरी क्यों है? इसलिए कि अगर कहते हैं अल्लाहु अजीजुन हकीमुन, अब ये अजीजुन और हकीमुन को अगर हम देखें तो इनमें वो चारों चीजें सेम है, जिन्स के एतबार से दोनों मुजक्कर हैं, अदद के एतबार से दोनों वाहिद हैं, वसत के एतबार से दोनों नकिरा हैं, इराब के एतबार से दोनों मारिफा हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अजीजुन हकीमुन को मुरक्कब तौसीफी नहीं कहते। क्यों? इसलिए कि अजीजुन के अंदर ये क्वालिटी नहीं है, ये एबिलिटी नहीं है कि ये मौसूफ बन सके, क्योंकि ये खुद सिफत है, ये अजीजुन खुद सिफत है। कुरान में कई जगहों पर इस तरह आया है, अल्लाहु अल अजीजुल हकीम आएगा, अल अजीजुल हकीम आ जाएगा, इस तरीके से हुवल अलीमुल हकीम आएगा, हुवल अजीजुन हुवा अजीजुन ज़ुंतकाम, अजीजुन ज़ुंतकाम आ जाएगा। तो ये इस तरह की मिसालें कई जगहों पर नजर आएंगी, तो इस चीज को हमें जहन में रखना है कि इन चार चीजों में कोऑर्डिनेशन के साथ एक पांचवी अहम और बुनियादी शर्त ये है कि दोनों में से जो पहला है जिसको हम मौसूफ बना रहे हैं, आया उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो मौसूफ बन सके। मौसूफ होने के लिए उसके अंदर ये सिफत होनी चाहिए कि वो उसकी कोई क्वालिटी या सिफत हम बयान करें। अगर वो खुद से पहले से खुद ही सिफत है तो फिर उसकी जो आगे आएगी वो सिफत नहीं होगी बल्कि उसका कोई और दर्जा होगा। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे कि अल्लाह मुब्तदा है, अजीजुन उसकी एक खबर, अजीजुन हकीमुन जो है वो दूसरी खबर हो जाए, ऐसी सूरतों में हम इसको यूं टैकल करेंगे। सर अल्लाह के अलावा भी बाकी सूरतों में ऐसा हो सकता है? हो सकता है, कई जगहों पर ऐसा हो सकता है। मसलन कहते हैं ज़ैदुन आलिमुन फकीहुन, अब आलिमुन और फकीहुन इन दोनों के अंदर जो है वो मौजूद है कोऑर्डिनेशन चारों सूरतों में, आलिम भी और फकीह भी, दोनों मारफा, दोनों नकिरा, दोनों नकिरा हैं, दोनों मरफू हैं, दोनों मुजक्कर हैं, दोनों रफा की हालत में आ रहे हैं, लेकिन आलिमुन बजाते खुद एक सिफत है, आलिमुन बजाते खुद एक सिफत है। तो अब ये हम नहीं कह सकते कि फकीहुन आलिमुन की सिफत है, बल्कि हम ये कहेंगे कि ज़ैदुन मुब्तदा था, आलिमुन उसकी एक खबर है, फकीहुन उसकी दूसरी खबर है। जहां भी दो सिफत एक साथ आएंगी वो जी, अनलेस के उन दो सिफात में से जो पहला है अगर वो किसी के नाम के तौर पर आ रहा है, मसलन अजीज किसी का नाम रख दिया गया है और फिर उसके साथ कोई ऐसी दूसरी सिफत ले देते अजीजुन अली अजीजुन आलिमुन, तो अजीज अगर किसी का नाम है तो फिर हम उसको देख सकते हैं कि वो जो है वो अगर बन सकती है तो बनाई जा सकती है, अदरवाइज इस तरीके से जहां भी हमें दो सिफात नजर आएंगी वो मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा। जी सिस्टर सीमा। जी सर, मेरा यहाँ एक सवाल था कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ज़ैदुन मुब्तदा है, आलिमुन उसकी खबर अव्वल और फकीहुन दोयम खबर, अच्छा क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़ैदुन मौसूफ, आलिमुन उसकी सिफ वन और फकीहुन उसकी सिफ टू? आप बताएं, कह सकते हैं ज़ैदुन चार चीजों में कोऑर्डिनेट करें अगर पूरी होती है तो ठीक है, कह लें ज़ैदुन जिन्स के एतबार से क्या है, मुज़क्कर है, आलिमुन मुज़क्कर है जी, लेकिन ये ये मारफा बन रही है ना करा, एक सिर्फ में गलत हो गया, सही सर, एक में भी गलत हो गया तो वो इसको आप जुमला इस्मिया भी के, ये जुमला इस्मिया हो गया ना, ये जुमला इस्मिया हो जाएगा ना, ज़ैदुन आलिमुन ये जुमला इस्मिया हो जाएगा, अब आलिमुन उसकी खबर वन और ये खबर टू हो जाएगी, ठीक हो गया।
उसके अलावा हमने पढ़ा था मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी में हमने पढ़ा था इसमें इशारा प्लस एक इसम होगा। तो इस इसम की शर्त ये थी कि ये अलिफ लाम वाला हो। यानी एक है हाजा किताबुन और एक है हाजा अल किताब। इन दोनों में से मुरक्कब इशारी कौन सा होगा? सर दूसरा वाला हाजल किताब। हाजल किताब ये तो हो जाएगा मुरक्कब इशारी। ये क्या होगा फिर? हाजा किताबुन जुमला, ये जुमला इस्मिया बन जाएगा सिंपल। हाजा मुब्तदा हो जाएगा और किताबुन खबर हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक जो है वो फर्क को जहन में रखना जरूरी है कि अल वाला होना जरूरी है, मारिफा होने की बात नहीं कर रहा मैं। हमने बात की है जब पहले भी तो हमने अल की बात की है, मारिफा होने की बात नहीं की। उसकी क्या वजह है कि अगर मैं कहता हूं हाजा मुहम्मदन, मुहम्मदन मारिफा तो है लेकिन उसके बावजूद ये यहां पर मुशार इलेही नहीं बन रहा। हाजा मुहम्मदन मारिफा है, मोहम्मदन मारिफा है क्योंकि नाम है किसी का। तो हाजा, हाँ अगर इसको हमने मुशारुन इलेही बनाना है तो फिर इसको भी हम अल मोहम्मद कर देंगे। ये वाला मौका मतलब उससे मुराद फिर ये हो जाएगा कि चार लोग हैं जिनका नाम मोहम्मद है, उनमें से किसी एक के बारे में कोई बात करनी है तो हम कहेंगे हाजल मोहम्मद पाला हाकदा, इस मोहम्मद ने ये किया। ये चार मोहम्मद थे उनमें से ये जो वाला है इस मोहम्मद ने ये वाला काम किया। तो मुशारुन इलेही बनने के लिए अल होना जरूरी है। हाजा मोहम्मदुन जो है ये जुमला पूरा, ये जुमला इस्मिया, ये जुमला इस्मिया होगा। हाजा मोहम्मदुन तो जुमला इस्मिया हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा जो अहम टॉपिक था मुरक्कबात के अलावा वो क्या था? गैर मुनसरिफ। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर, मुरक्कब इजाफी हमने पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था मुजाफ होगा मरफू और जो मुजाफ इलेही होगा वो मारफा होगा और जेर के साथ होगा और इजाफत पाई जाएगी उनमें। ठीक है। अच्छा। और सर ये हमने कुरान में पढ़ा ना तो ये हमारे इसमें लफ्ज आया था सरीउल हिसाबी। जी। अब सर ये मुजाफ और मुजाफ इलेही मारफा और ये तो हो गया लेकिन सर इसमें इजाफत नहीं है, लेकिन सर कह रहे थे ये मुरक्कब इजाफी ही होगा। इजाफत है ना, क्यों नहीं है? सरीउ जल्द लेने वाला है। किसका जल्द लेने वाला है? हिसाब का फिर करेंगे सर इसको। जी वो तो उर्दू का मुहावरा हम करते हैं तो कहते हैं जल्द हिसाब लेने वाला है। हम उर्दू में जी। वो उर्दू की मजबूरी है कि उर्दू में हम मुहावरा यूं सही बनता है, जुमला यूं सही बनता है कि हम कहें जल्द हिसाब लेने वाला है। अदरवाइज अगर लफ्ज के एतबार से कंस्ट्रक्शन के एतबार से तर्जमा करें तो वो यही बनेगा जल्दी करने वाला है हिसाब का के की वाला तर्जमा बनता है। ठीक, एक बात। दूसरी बात आपने यहाँ मेंशन की कि मुजाफ जो है वो मरफू होगा, ये जरूरी नहीं है कि मुजाफ हमेशा मरफू ही हो। मुजाफ का एराब जुमले के अंदर जो उसका रोल बन रहा है उसके मुताबिक आएगा, कभी वो मरफू हो सकता है, कभी मनसूब हो जाएगा, कभी मजरूर हो जाएगा। ठीक है सर। और मुजाफ इलेह के बारे में आपने कहा कि वो मारिफा होगा तो ये भी जरूरी नहीं है कि मुजाफ इलेह हमेशा मारिफा हो, मुजाफ इलेह नकिरा भी हो सकता है। मुजाफ इलेह नकिरा मारिफा दोनों हो सकते हैं लेकिन होगा मजरूर मुजाफ इलेह। और जो मुजाफ है उसके अंदर शर्त ये थी कि उसके शुरू में अल भी नहीं आएगा, आखिर में तनवीन भी नहीं आएगी, और एराब उसका कुछ भी हो सकता है, रफा नसब और जर कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ भी हो सकता है, मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा, वो हमेशा मजरूर होगा बिल्कुल। गैर मुनसरिफ ऐसे अस्मा को कहते हैं जो मुकम्मल जो है वो एराब नहीं लेते, यानी उनका जो एराब है रफा नसब और जर तो होगा उसमें लेकिन रफा नसब और जर में उनकी हालतें कंप्लीट जो है ना वो शफल नहीं होती हैं रफा नसब और जर में।
वो क्या होता है कि रफा इनका पेश के साथ आ जाता है, नसब जबर के साथ और जर भी जबर के साथ आ जाता है। मिसाल देख लें, इब्राहिमु, इब्राहिमु रफा की हालत है, इब्राहिमा नसब की हालत और इब्राहिमा जर की हालत भी है। ये इसमें हमने पढ़े थे अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, फरिश्तों के नाम गैर मुनसरिफ होंगे और ख्वातीन के नाम गैर मुनसरिफ होंगे, मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में ता आता है गोल वाला, तलहा, हुज़ैफा, हुज़ैमा, उसामा, मुआविया, इस तरह के जो नाम हैं मर्दों के जिनके आखिर में गोल ता आती है, ये सारे गैर मुनसरिफ आएंगे। और ऐसे नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून आता है एक्स्ट्रा, अतशान, गदबान, फरहान, जवान, ये सारे गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। और ऐसी जमा जिसके आखिर में अलिफ और अलिफ के बाद दो या दो से ज्यादा हुरूफ आ रहे हो, मसाजिदु, मकातिबु या मसाबीहु, मकातीबु, ये गैर मुनसरिफ आएगा। इसी तरह अफालू के साउंड पर जो आ रहे होंगे, अहमदु, अकबरु, असगरु, आलमु, ये सारे गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। ये चंद जो वो मोटी मोटी मिसालें मैंने आपको बता दी। फिर एक और टॉपिक था अस्माए खमसा का। अस्माए खमसा का कौन से हैं? अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और जू। इनका इराब स्पेशल था, इनके रफा की हालत वाव के साथ आएगी, अबू, अखू वगैरह। नसब की हालत अलिफ के साथ, अबा और अखा वगैरह। और जर की हालत इनकी आएगी जेर के साथ, अभी, अखी वगैरह, अबू बकरिन, अबा बकरिन, अभी बकरिन, अखू का, अखा का और अखी का। इसी तरीके से ये बाकी भी आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस्म के अंदर हमने यही एराब के टॉपिक्स पढ़े हैं। इसमें मैंने कोई चीज अगर मिस कर दी है तो पॉइंट आउट कर सकते हैं। ज़ू का भी बता दिए, ज़ू के लिए क्या लिखेंगे सर? ज़ू का क्या होगा? ज़ू, ज़ा और सी? जी, ज़ू मालिन, माल वाला, ज़ा मालिन या ज़ी मालिन। अच्छा जी, इसमें अगर कोई और पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ तो मुझे याद दिला सकते हैं, अगर किसी के जहन में हो कोई पॉइंट, कोई बात मैंने मिस की हो तो। फिर हम फेल की तरफ चलते हैं। फेल में जब रफा नसब वगैरह की बात होती है तो हमारा जो टारगेट होता है जिसपे ये रफा नसब वगैरह अप्लाई होते हैं फेल में, वो होता है फेल मुदारे। फेल मुजारे, क्योंकि फेल माजी भी मबनी है, फेल अमर भी मबनी है, नहीं भी मबनी है, पीछे रह जाता है सिर्फ फेल मुदारे। वो मौरब है तो उसके अंदर एराब तब्दील होगा रफा नसब, और तीसरा एराब है रफा नसब, और फेल के अंदर जर नहीं होगी, फेल के अंदर जज़म होगा। ये भी ध्यान में रखें, इसम में जज़म नहीं आ सकती और फेल में जर नहीं आ सकती। इसम में जज़म नहीं होगी, सुकून नहीं होगा, और फेल के आखिर में जर यानी जेर नहीं आ सकती। तो फेल मुजारे का जो डिफॉल्ट हालत है वो तो है रफा की हालत, या फालू, यंसुरु, यद्रिबु, युसब्बिहु, युअल्लिमु, युहासिबु, ये सारे डिफॉल्ट हालत हम उसको मरफू ही पढ़ेंगे। नसब आएगी किसी न किसी वजह से, और वो नसब की वजूहात में क्या था, उस फेल मुजारे से पहले अगर अन आ जाए, लन आ जाए, ली
ताके के माना में आ जाए और हत्ता आ जाए, ये अल्फाज अगर आते हैं फेले मुजारे से पहले तो इनके बाद फेले मुजारे मंसूब हो जाएगा। इन अल्लाह ला यस्तहयी अन यद्रिबा, असल में था यद्रिबू, अन की वजह से यद्रिबा हो गया, नसब की हालत आ गई, ठीक है। और फेल के नसब की और रफा और नसब की पहचान क्या है, रफा के जो वाहिद के सीगे हैं यानी यफ्तहु तफ्तहु अफ्तहु और नफ्तहु, इनके अंदर रफा क्या से आएगा, यफ्तहु तफ्तहु अफ्तहु नफ्तहु, एक मिसाल है, किसी पे सारे बाकी आएंगे, युअल्लिमु तुअल्लिमु उअल्लिमु नुअल्लिमु युहासिबु तुहासिबु उहासिबु नुहासिबु, यानी जो वाहिद की सूरतन मुशाबियत के साथ आ रहे हैं, यफ्तहु तफ्तहु नफ्तहु, अगरचे जमा के लिए है लेकिन इसकी जो शक्ल है वो वाहिद वालों की है तो इसलिए उसको साथ मिला लिया। इनका जो रफा आएगा वो कैसे आएगा, पेश के साथ आ जाएगी, इनका रफा की अलामत रफा दम्मा के साथ आ जाएगी, नसब जबर के साथ और जज़्म सुकून के साथ, यफ्तहु नसब आएगा तो यफ्तहा, जज़्म आएगा तो यफ्तह, ठीक है, सीधा तफ्तहु अफ्तहु में। और दूसरे होते हैं जिनको कहते हैं अफ़आल खमसा, अभी हमने ऊपर देखे अस्माए खमसा, अफ़आल खमसा वो हैं जिनके आखिर में नून आता है, अफ़आल खमसा जिनके आखिर में नून आता है, और वो कौन से हैं, यफ्तहानी यफ्तहूना तफ्तहानी तफ्तहूना और तफ्तहीना, ये पांच हैं, इन पांचों के आखिर में नून आ रहा है, देख रहे हैं आप, यफ्तहानी यफ्तहानी यफ्तहूना तफ्तहानी तफ्तहूना और एक वाहिद मुअन्नस तफ्तहीना, इन पांचों के आखिर में नून आ रहा है, इसको कहते हैं नून वाले अफाल और इनको नाम दिया गया है अफाल खमसा। इनका एराब जब आएगा तो कैसे आएगा, इनका रफा जो आएगा वो होगा बिसुबूत नून और नसब और जज़म दोनों सूरतों में होगा, नसब भी और जज़म भी हो जाएगा इनका बिहज़्फ नून, इनका नून ड्रॉप हो जाएगा। मसलन यफ्तहूना है, यफ्तहूना तो अगर नसब की हालत में आएगा तो ये अन यफ्तहू हो जाएगा, नून इसका ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह जज़म लम के साथ आता है, हम एक मिसाल देख लेते हैं, लम तो लम के साथ जब आएगा तो भी लम यफ्तहु हो जाएगा, इसके आखिर से नून टॉप हो जाएगा, नून को हटा दिया जाएगा। तो अफ़ाल खमसा में रफा की अलामत है सुबूत नून यानी नून बरकरार रहेगा, नसब और जज़म की अलामत है हज़्फ नून अफ़ाल खमसा में, और जो अफ़ाल मुफ़रदा अलिफ रहेगा, यफ्तहानी है ना तो अन के साथ अन यफ्तहा हो जाएगा, नून सिर्फ जाएगा जी, वाव जी नून ड्रॉप होने के बाद वहां पर अलिफ आ जाएगा जमा की अलामत से, वो आ जाएगा अलिफ, ठीक है जी। तो फेल मुजारे को नसब की हालत में ले जाने वाले हमने ये चार पढ़े, इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कुरान में इस्तेमाल इन्हीं का हुआ है, अन लन ली और हत्ता, ये अगर किसी फेल मुजारे से पहले आए तो वो उसको नसब की हालत में ले जाते हैं। सर सर ये यफ्ताना के लिए क्या होगा, वो जो गायब मुअन्नस जमा, वो तो बता दिया ना, जमा मुअन्नस तो मबनी है, वो चेंज नहीं होता, इसे मुजारे में, मुजारे में भी ना जमा मुअन्नस मबनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, जमा मुअन्नस को आप चेंज करना चाहते हैं, नहीं हो सकता, ये आपकी खाम ख्याली है। सर ये अच्छा टिप है जी, वाहिद मुअन्नस को चेंज करना अच्छा खासा मुश्किल होता है, तो आप जमा मुअन्नस की बात करते हैं।
अच्छा खैर, उसके बाद जज़्म आ गया फ़ेल मुज़ारे के आखिर में। जज़्म आने की वजूहात, जज़्म किन हुरूफ़ की वजह से आता है, वो है लम, लम्मा और इन शर्त वाला, इसी तरह मन शर्त के लिए, मा शर्त के लिए, और ली जिसका तर्जुमा किया जाता है चाहिए के। ये सूरतें अगर होंगी फेले मुजारे से पहले तो फेले मुजारे के आखिर में जज़्म आ जाएगी। और यहाँ पर भी वही रूल चलेगा कि जो आ रहे हैं यफ्तहु तफ्तहु और अफ्तहु नफ्तहु वगैरह, उनमें तो जज़्म सिंपल आ जाएगी, यफ्तह तफ्तह अफ्तह नफ्तह, और अफाल खमसा में नून हजफ हो जाएगा जज़्म की सूरत में। ठीक हो गया? कोई बात अगर मैंने टॉपिक्स में से मिस कर दी हो तो मेंशन कर दें, अदरवाइज मैं स्लाइड्स खोल लेता हूँ और वहां पे हम फिर आकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मरफूआत मंसूबात और मजरूरात वगैरह तलाश करते हैं। अगला एक घंटा हम इस पर लगा लेते हैं। सर थोड़ा सा पैटर्न बता देंगे मिड टर्म का किस तरह का होगा? यही पैटर्न होगा, मैं भी बताता हूँ पैटर्न। अच्छा चलें पहले पैटर्न पे, अभी तो आप फिर सैंपल क्विज भेजेंगे ना? जी जी सैंपल क्विज आएगा, वो आएगा सैंपल क्विज, आपको एक या दो दिन मुझे दे दें, दो दिन में इंशाल्लाह आपको सैंपल क्विज आ जाएगा, मिल जाएगा। पैटर्न क्या होगा, आपको आयात दी जाएंगी, वैसे यहाँ थोड़ा सा देख लें आयात, उसमें से आपने करना क्या होगा, हो सकता है आपको कुछ सिलेक्टेड आयात का तर्जुमा कह दिया जाए कि जी आप इसका तर्जुमा देखें। फसन आयात दे दी आयत नंबर 25 से 35 तक, और उसमें से तीन आयतों का तर्जुमा कह दें जी फला आयत का तर्जुमा कौन सा है। अब ये भी है मल्टीपल चॉइस है, तो वो आपके पास चॉइसेस होंगी, उसमें से आपने सिलेक्ट करना होगा, चेक करना होगा कि ये तर्जुमा किस आयत का है, कौन सा सही बन रहा है, वो तर्जुमा आपने देखना होगा। और उसके अलावा आयात में मिसाल के तौर पर आ जाता है, पर आयात में आता है वैज़ा खज़ना मीसाक़ बनी इसराइल अल्लाह तअबुदु इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना ذل قربا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا, ये 7-8 चीजों की बात आ गई यहाँ पे। तो सवाल ये हो सकता है कि जो ऊपर आयतें आई हैं इनमें बनी इसराइल से एक मिसाक और वादा लेने की बात की गई है, तो वो कौन कौन सी बातों पर मिसाक और वादा लिया गया, नीचे आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें ऑप्शन आपने चेक करने हैं, वो भी आप तर्जुमे ही से समझ सकते हैं। यानी आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया जाएगा तर्जुमे और फहम के एतबार से जिसमें आपको तफसीर से कंसल्ट करना पड़े। तफसीरों से ये तर्जुमा सिर्फ सेकंड पारे का होगा कि फर्स्ट पारे का भी होगा? नहीं नहीं सेकंड, किसी सिक्स में जो हम सेकंड पारे से स्टार्ट किया वही होगा। ओके, आप अगर चाहें पहले पारे से भी शामिल कर लेते हैं, मुझे कोई इशारे भी याद करने होंगे? नहीं नहीं इशारे नहीं है। हाँ सर इशारे नहीं, इशारे नहीं होंगे, तर्जुमा होगा, और तर्जुमे से जो बात समझ में आ रही है, मसलन 6 आयतें दे दी गई और उन 6 आयतों में 3 हुक्म बयान किए गए, तो वो 3 हुक्म समझ कर कौन कौन से 3 हुक्म है, नीचे ऑप्शंस होंगे उनमें से आपने सिलेक्ट करने होंगे। ये तो हो गया तर्जुमे और फहम की हद तक। ग्रामर में क्या आ जाएगा, ग्रामर में इस तरीके से आ जाएगा कि ये आयात हैं, इन आयात में से ये अल्फाज लिए गए हैं, आप इनका एराब चेक करें, एराब मोमिन आ गया, किताबन आ गया, बैतल्ला आ गया, तो अब वो आपको टेबल की फॉर्म में आ सकते हैं, ये लफ्ज़ आ रहा है आयत में फलां फलां जगह पे, वो मेंशन होगा ऊपर हाईलाइटेड होगा, और आपको नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे कि ये जो बैता आ रहा है जो पहला हाईलाइट हुआ है ये बताएं ये किस फॉर्म में आ रहा है, रफा की हालत है, नसब है, जर है, आप हालत सेलेक्ट करेंगे। आपसे अगला सवाल हो सकता है कि ये रफा की हालत में है तो इसके रफा की हालत में होने की वजह क्या है, ये क्यों है रफा की हालत, आपको पूरी आयत देखनी होगी ना, पूरी आयत आपको बता दी जाएगी, वो पूरी आयत पे आपको नजर आ रहा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बुन, सयकूलु सुफहा से लेते हैं, सयकूलु सुफहाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम। अब क़िबलति को मैं हाईलाइट करके आपसे पूछूं जी बताएं क़िबलति किस फॉर्म में आ रहा है, रफा है, नसब है या जर, तो आप क़िबलति को देखेंगे ज़ेर आ रही है तो उसके पीछे देखेंगे हर पे जर, तो आप कह सकते हैं ये मजरूर है। अगला सवाल हो सकता है ये क्यों मजरूर है,
क्योंकि इससे पहले हर्फ जर आ रहा है इसलिए मजरूर है। तीसरा सवाल जरूरी नहीं है कि हो लेकिन बाज़ जगहों पर आ सकता है, वो यही होगा कि इसमें जर की अलामत क्या है। तो क़िबलती में जर की अलामत तो सिंपल है, क्या है ये क़िबलती? सर जेर है इसके अंदर, कसरा जेर, क्या कसरा? ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, आपका ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इसमें ये हो सकता है जी कि ये जो आयात है इनमें से हमने कुछ जुमले लिए हैं, यकूल सुफहा मिन الناس, एक जुमला हो जाए मा वल्लाहुम, एक हो जाए अन क़िबलतिहिम कानू अलैहा, इस तरीके से पांच छह जुमले हों। और आगे आपको काजे जी के इनमें से पहचाने, इनमें से जुमला इस्मिया कौन सा है और फेलिया कौन सा है, पहचानना आसान होगा। सैंपल क्विज जब आएगा तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, इंशाल्लाह मजीद आसान हो जाएगा, अभी हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे भी। सर मा वल्लाह जुमला इस्मिया हो जाएगा बिल्कुल। फिर जुमला इस्मिया अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये हो सकता है कि कुछ जुमला इस्मिया दे दिए जाएं और उसमें बता दी, उसमें से ये पूछ दिया जाए कि ये जुमला इस्मिया तो इसका मुब्तदा और खबर पहचाने, मुब्तदा कौन सा लफ्ज बन रहा है, खबर कौन सा। इस तरीके से आपकी ये सारी क्विज की प्रैक्टिस होगी, कुछ होगी कि बहुत ज्यादा लंबा ना हो, मुख्तसर हो, ताकि आप लोग जो है वो आसानी से टाइम के अंदर उसको हल कर सके। एक चीज बताइए कि मुब्तदा हमेशा पहले ही आता है, बाद में तो नहीं आता मुब्तदा हमेशा जुमला इस्मिया में? जुमला इस्मिया में मुब्तदा जो है वो आमतौर पर पहले ही आता है, लेकिन बाद सूरतों में कहीं पर आ जाता है जब पहले उसको कर दिया जाए। मसलन कुरान में जो जगह जगह पर आता है लहुम अजाबुन अजीम आता है ना जी, वलहुम अजाबुन अलीम, शुबा जुमला पर में आता है, लहुम अजाबुन अजीम। तो अब यहाँ पर ये लहुम है जार मजरूर, तो जार मजरूर तो कभी भी खबर नहीं बन सकता, मुब्तदा नहीं हो सकता ना जी, तो इसलिए हम कहेंगे ये जार मजरूर शिबुल जुमला खबर पहले आ गई है, खबर मुकद्दम और अजाबुन जो है वो मुब्तदा मुअख्खर है। ये एक सूरत है जिसमें सर मा वल्लाहुम का मतलब प्लीज बता दीजिएगा। मा वल्लाहुम, मा वल्लाहुम किस चीज ने फेर दिया उन सबको, वल्ला फेर दिया हम उन सबको, माँ किस चीज ने? सर ये एक चीज बता दीजिए, ये जो अराब मुकद्दरा थे सर, ये जो है सिर्फ गैर मुनसरिफ पाएंगे, मतलब मबनी जो होता है सर, ये मबनी तो अराब लेता है या ये इसका अराब चेंज होता है इसलिए मबनी कहते हैं, या मुकद्दरा हो सकता है जैसे सहाबा ही हमेशा? देखिए एक लफ्ज है मूसा और एक है हुआ, बिल्कुल सही, हुआ मबनी है जी सर, और मूसा मोरब है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हुआ के आखिर में हमेशा ये जबर ही रहेगी, ये मुकद्दर शुकद्दर नहीं है, इसका एराब हम बताएंगे कि ये मरफू महलन, महलन मरफू आ रहा है, जबकि मूसा के बारे में सर सॉरी मरफू महलन हमेशा रहेगा या ये मरफू जब महलन आएगा उस वक्त होगा, ये आप कह रहे हैं हुआ हमेशा मरफू ही आएगा ना, हुआ किसी और फॉर्म में आ ही नहीं सकता, हुआ मरफू ही होता है, हुआ ये मंसूब हो ही नहीं सकता क्योंकि जमीर है ये, इसलिए बोल रहे हैं ज़मीर मुनफसिल है, बिल्कुल ज़मीर मुनफसिल हुआ ये हमेशा मरफू ही होगी, ये मंसूब नहीं हो सकती, मजरूर नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, जबकि जो मूसा है, मूसा के बारे में बाज़ लोगों ने कहा कि ये मूसा असल में था मूसायू, तो जब ये है मूसायू तो फिर वो कहेंगे मंसूब आएगा तो ये मूसाया हो जाएगा और मजरूर आएगा तो ये मूसाई हो जाएगा। तो कहते हैं या पर पेश जबर या जेर पढ़ना मुश्किल है, तो इस मुश्किल की वजह से हमने इसको
खड़ी जबर बना दिया मूसा मूसा, असल में तो ये मूसा यू था लेकिन इसकी मजबूरी की वजह से हमने किया है। तो ये जो होगा ना मूसा की तरह वाले, इसका एराब जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे मरफू बिद्दम्मा अल-मुकद्दरा, ये है जिनका एराब मुकद्दर है। लेकिन हुआ के बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि मरफू बिद्दम्मा अल-मुकद्दरा, हुआ को हम सिंपल कह देंगे मरफू महलन। सर महलन का क्या मतलब हुआ? महलन का मतलब ये हुआ कि रो मरफू के मकाम पे आ रहा है, मरफू वाली जगह पे आ रहा है, फी महल रफ। तो वो तो सर हमेशा मरफू ही रहेगा ना, तो वो जगह पे क्यों हम फिर उसको महलन क्यों कह रहे हैं? हुआ जी, हुआ सर की बात कर रही हूं। जी हुआ की बात कर रही हूं सर, हुआ तो मरफू ही होता है ना हमेशा, तो उसको महलन। हुआ को छोड़ दें, हुआ से हटकर कोई दूसरी मिसाल ले लेते हैं, उसमें शायद अच्छे से समझ में आ जाए। कुतिबा, इसके अंदर जो जमीर है हुआ, ये क्या बन रहा है सर? ये तो नाइफ फाइल है ना, नाइफ जी, नाइफ फाइल बन रहा है। और मफहूम के एतबार से ये हुआ क्या है? मफहूम हुआ सर ये मजहूल है ना, मफहूम यानी तर्जमा अगर आप करते हैं कुतिबा तो क्या तर्जमा? वो लिखा गया तो वो क्या है? मफूल बन रहा है सर, वो मतलब जिसको लिखा गया सर वो मफूल लिखा गया, वो जाहिर मफूल होगा। तो अब मफूल होने की एतबार से तो लगता है कि मफूल क्या होता है? मंसूब होता है, मंसूब होता है, मफूल का मकाम तो मंसूब होना है जी सर। तो यहाँ पर जो है वो हुआ आ रहा है लेकिन यहाँ पर ये नाइबुल फाइल की आ रहा है, तो हम कहेंगे कि अगरचे ये मफहूम के एतबार से मफूल भी है लेकिन इसका महल, इसका मकाम, जिस तरतीब में ये आ रहा है वो तरतीब ये चाहती है कि ये मरफू की हालत में आए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। ये इस वजह से इसको पढ़ेंगे, इसको फिर अब हम क्या पढ़ेंगे? महलन बोलेंगे फिर इसको, यानी जो मबनी है ना, मबनी का जब हम इराब बताते हैं तो वहां हम कहते हैं कि ये मरफू महलन है या मंसूब महलन है या मजरूर महलन है। ठीक है, दूसरी एक मिसाल ले लें, गैर मुनसरिफ, मैं गैर मुनसरिफ भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है वो, लेकिन उसको हम कहेंगे मुकद्दर। किताब गैर मुनसरिफ क्या है? गैर मुनसरिफ में एराब मुकद्दर नहीं होगा। गैर मुनसरिफ में, गैर मुनसरिफ में मसलन आता है ना अल्लाह कमा सल्लैता अला इब्राहिम जी, अला इब्राहिमा, तो हम इब्राहिमा को कहेंगे कि ये मजरूर फिल फतहा है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ। हम बता सकते हैं अगर बताना चाहें मजरूर उन बिल फतहा लिअन्नहु ममनू मिन सर, ये मजरूर है फतहा के साथ क्योंकि ये ममनू मिन सर्फ है। लेकिन अगर हम ये बात ना भी करें कि ये ममनू मिन सर्फ है, लेकिन इतनी बात हमारे जो है वो अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए कि ये मजरूर बिल फतहा आ रहा है। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये मजरूर महलन है, नहीं, मजरूर है और जर की ही अलामतों में से एक अलामत है जिसको फतहा यानी जबर के साथ जाहिर किया जाता है। कुतिबा को भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसको हमने किस तरह पढ़ना है? कुतिबा, कुतिबा को तो हम कहेंगे कुतिबा फेल मजहूल, हुआ जमीर, नाइबुल फाइल, मरफू महलन। उससे बेहतर अंदाज में ये मैंने ऊपर लिखा किताबु हम, अब किताबु प्लस हम है, तो हम जो है हुआ के बाद जो हम है वो क्या है? वो रफा की हालत है, किताब हुआ हम ये रफा की हालत है। अच्छा यहाँ पर आ रहा है किताबु हम, तो ये कौन सी अलामत, कौन सा मुरक्कब बन रहा है? किताबु हम मुजाफिले, हम यहाँ पर मुजाफिले है, तो मुजाफिले क्या होता है? मजरूर, मजरूर, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम मजरूर है। ठीक है, हुआ हम में मरफू था। अच्छा एक और देखते हैं, नहीं इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ना नहीं ना समझ में आ रहा। मैं बता रहा हूँ ना, नसरा हम, यहाँ पर हम का क्या तर्जमा कर रहे हैं? नसरा हम, उसने मदद की
उन सब की, तो यहाँ पर हम क्या बन रहा है? मफूल, मफूल बन रहा है। तो मफूल बन रहा है तो मफूल क्या होता है? मंसूब, मंसूब, मंसूब। अब एक ही लफ्ज है हम, एक जगह पर वो मरफू है, एक जगह पर वो मंसूब है, एक जगह पर वो मजरूर है, ठीक है। जब ये हुआ हम में आ रहा होगा, हुआ हम खालिदून, हम मुस्लिमून, वहां पर हम कह देंगे हम मरफू महल्लन, हम जमीर मरफू महल्लन, वो तो सिंपल है। यहाँ पर जब हम कहेंगे किताबों नसारा हम में, तो हम कहेंगे नसारा फेल, और इसके अंदर जो हुआ जमीर है इसकी वो फाइल, और हम जमीर मंसूब महल्लन। यहाँ पर हम जमीर को हम कह देंगे ये मंसूब महल्लन है, और किताब हम में हम कहेंगे किताब मुदाफ, हम जमीर मुदाफुन इलैहि मजरूर महल्लन, सिंपल, ठीक है। तो यानी हम जमीर के बारे में जब भी बात करेंगे तो हम महल्लन ही बताएंगे, उसका इराब महल्लन ही होगा, जमीर का जब भी इराब आएगा वो महल्लन ही होगा। दो लोगों ने हाथ बुलंद किए, सलीम चिश्ती साहब। जी सर, सलीम चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वो शिबा जुमला सर समझना था कि जार मजरूर शिबा जुमला, उस बारे में कुछ थोड़ी सी वजाहत। चले मैं करता हूँ। सिस्टर सीमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस सर। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हमने कहा नसरा हूँ, अब नसरा हूँ तो समझ में आता है कि वो तो मुत्तसिल है और वो मफूल बही के तौर पे आएगा हमार, लेकिन हम जो है ये तो जमायर मुनफसला में भी आता है और मुत्तसला में भी आता है, तो हम इसको फाइल नहीं कह सकते? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कह सकते कि अगर हमने नसारा का फाइल हमने जमीर बनाना है, फेल का फाइल अगर जमीर होगा तो पहले आएगा हैं कि नहीं, पहले नहीं आएगा ना। फेल का फाइल अगर जमीर होगी तो जो जमीर हमने फाइल के तौर पर लगानी है, अगर वो वाहिद है तो फेल वाहिद आएगा, अगर वो जमा है तो फेल जमा आएगा। ओके सर, ठीक है। नसरू आएगा ना, अगर हम वो सब को हमने फाइल बनाना है तो फिर वो नसारा नहीं आएगा, फिर वो नसरू आएगा। ठीक है सर, जज़ाकअल्लाह। जी जी, समझ गए। दोबारा एक्सप्लेन करें प्लीज। देखें, इन्होंने सवाल किया कि नसारा हम में हम नसारा को नसारा फेल कहें और हम को फाइल क्यों नहीं कहते? नसारा हम ये क्यों नहीं कहते कि ये हम फाइल है? ठीक है, हमने ये बात पढ़ रखी है कि फेल का अगर फाइल अगर जमीर हो तो क्या होता है? फेल का फाइल अगर जमीर हो तो फेल वाहिद जमा में अपने फाइल के मुताबिक तब्दील होगा। मसलन हमने कहना है उन्होंने मारा, तो उन्होंने जमा है तो जमा के लिए हमने फेल उन्होंने मारा, चले उन्होंने मदद की, मारते नहीं है, उन्होंने मदद की, तो उन्होंने मदद की उन सब के लिए, तो क्या है? नसरू कहेंगे, नसरू जी, नसरू हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि नसारा हम, और हम कहेंगे जो हम है ये वो वाला हम है जो हुआ हम वाले में आ रहा है, वो अलग है, उसकी बनावट ही इसलिए है कि वो अकेला ही आए, तो मतलब कुछ और है, फाइल नहीं बने, वो मुत्तदा ही बनकर आ रहा होगा। सर इसको हम यू भी कह सकते हैं, मफूल बन रहा है, मफूल बन रहा है नसरा हम में जो हम है ये मफूल बन रहा है, बिल्कुल, इसको हम फाइल नहीं बना सकते, ये मफूल ही रहेगा। तो यहाँ पर नसरू में जो है हम कहेंगे नसरू फेल है, इसके अंदर जो हम छुपा हुआ है वो फाइल है। ओके, जब हमने जमा वाली जमीर को फाइल बनाना होगा तो वो सामने नहीं लिखी होगी, वो छुपी हुई होगी अंदर। ठीक है सर, ठीक है। तो जी सलीम चिश्ती साहब, आपने बात की शिबुल जुमला की, राइट? अच्छा, एक बात मुझे ये शिबुल जुमला के साथ याद आ गई, हमने एक चीज और पढ़ी थी मुब्तदा और खबर के बारे में,
कि खबर की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। खबर मुफरद हो सकती है। अब यहाँ पर जब मैं मुफरद कह रहा हूँ तो इससे क्या मुराद है, कौन सा वाला मुफरद, वाहिद जमा वाला या मुरक्कब वाला? वाहिद वाला। देखें, एक मुब्तदा है हम मुस्लिमूना, तो यहाँ पर खबर क्या है, मुफरद है या मुफरद नहीं है? मुस्लिमूना में मुफरद है, मुफरद है, तो इसका मतलब है कि यहाँ वाहिद जमा वाले मुफरद की बात नहीं हो रही है। इस मुफरद की से मुराद है कि तो मुरक्कब ना हो, ठीक है। मुफरद यानी वो मुरक्कब नहीं है, जुमला वगैरह नहीं है, मुफरद जुमले के मुकाबले में आ रहा है। उसके अलावा खबर जो है वो जुमला इस्मिया हो सकती है, खबर जुमला फेलिया हो सकती है, और खबर शिबहुल जुमला भी हो सकती है। इसी तरह हमने मुरक्कब जो तौसीफी और इशारी और जारी पड़े हैं वो भी खबर की जगह पर आ सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हम यूं कहेंगे कि असल जो खबर है वो तो उसका पहला लफ्ज़ है, दूसरा उसके साथ कनेक्टेड है। तो इसमें हमने एक जुमला इस्मिया की मिसाल अगर कहें तो अल मुदीरु अबूहु ताजिरुन, अल मुदीर की बजाय हम कहते हैं तालिब, तालिब स्टूडेंट जो है उसके अबू बिजनेसमैन है, तो अबूहु ताजिरुन अलग से पूरा जुमला इस्मिया है, ये पूरा जुमला इस्मिया अतालिब के लिए खबर बन रहा है। तो जुमला इस्मिया इस सूरत में ये होगा कि एक जमीर हमें रखनी पड़ेगी इस जुमले में जो मुब्तदा की तरफ जो है वो जाए और उसका उसके साथ कनेक्शन बना रहे। जुमला फेलिया में हम देखेंगे कि फेल आ जाए, मतलब वो तो एक सिंपल फेल भी आ जाए, खालिदुन खराजा, तो खालिदुन फेल सॉरी खालिदुन मुब्तदा खराजा फेल, इसके अंदर जो जमीर है हुआ वो इसका फाइल फेल और फाइल मिलकर जुमला फेलिया, और ये पूरा जुमला फेलिया खालिदुन के लिए खबर बन गया। शिबहुल जुमला दो सूरतों में हो सकता है, एक शिबहुल जुमला है कि वो जार और मजरूर हों, ये भी शिबहुल जुमला है, और दूसरा क्या है, ज़र्फ मुज़ाफ हो प्लस मुज़ाफ इलैही। शिबहुल जुमला की दो सूरतें हैं, ठीक है, एक सूरत जार मजरूर की फी ही हुदन, तो ये फी ही जार मजरूर शिबहुल जुमला और हुदन जो है वो इसके लिए मुब्तदा मुअख्खर, ये खबर मुकद्दम और ये मुब्तदा मुअख्खर, यानी जार मजरूर हो तो वो शिबहुल जुमला कहलाएगा अगर वो खबर बन रहा है, ये जहन में रखें, जार मजरूर को अगर हमने खबर बनाना है तो तब वो शिबहुल जुमला होगा, अगर जार मजरूर खबर नहीं बन रहा तो फिर वो शिबहुल जुमला नहीं होगा, ठीक है। अगर एक जुमला है मिसाल के तौर पे खालिदुन आमा फिल मस्जिदी, अब यहां पर क्या होगा, खालिदुन हो गया मुब्तदा और आमा फिल, इसके अंदर जमीर जो हुआ है वो इसका फाइल और फिल मस्जिदी सिंपल जार मजरूर, दैट्स इट। यहाँ फिल मस्जिद शिबहुल जुमला नहीं होगा, ये कामा फेल फाइल और जार मजरूर ये पूरा मिलकर जुमला फेलिया बन जाएगा और ये पूरा जुमला फेलिया खालिदुन के लिए खबर बन जाएगा, ठीक है। दूसरी सूरत इसी जुमले को लें, कामा को अगर हटा दें, खालिदुन फिल मस्जिद, अब हम कहेंगे खालिदुन मुब्तदा है, फिल मस्जिद जार मजरूर शिबहुल जुमला खबर,
अगर खबर कोई और बन सकता हो जुमले के अंदर तो हम पहले उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको खबर बनाएंगे। जार मजरूर की तरफ हम बिल्कुल एंड पे आएंगे, पहले हम देखेंगे कोई और लफ्ज जुमले में मौजूद है जो खबर बन सकता है, तब हम उसको खबर बना देंगे। अगर कोई और हमें पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती तो फिर हम जार मजरूर या शेबुल जुमला को खबर बनाएंगे। ये बात समझ में आई? जी मिसेस सलमान। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं सिर्फ एक चीज ये रिवाइज करना चाह रही थी आपसे, मेरे जहन से निकल गया कि हम फेल को एज अ सिंगुलर लेते थे, जैसे फॉर एग्जांपल नसरा जैदुन या नसरा रजुलन, ये दोनों सही है ना? फेल को हम जब शुरू करते हैं तो सिंगुलर में शुरू करते हैं ना जी। उसमें हमने ये पढ़ा था कि फेल का जो फाइल है वो अगर आगे लफ्जों में लिखा हुआ कोई नया लफ्ज आ रहा हो तो फिर फेल हमेशा सिंगुलर आएगा, और अगर फेल का फाइल अलग कोई नया लफ्ज नहीं है बल्कि जमीर और प्रोनाउन की सूरत में शो करना है तो फिर जितना फाइल है, अगर दो हैं तो तस्निया वाला आएगा फेल, और जमा है तो फिर जमा वाला फेल आएगा। ठीक है, अल्लाहुम्मा आना। यहाँ पर ये आरा ज़र्फ मुजाफ और ना मुदाफिले मुदाफिले शिबहुल जुमला, ये अल्लाह के लिए खबर। मेरा ख्याल है ऐसी ग्रामर पे हम अगर फिरते रहे तो ये बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। हम आ जाते हैं यहाँ स्लाइड्स पे, इधर हम देखते हैं तो यहाँ जो चीजें साथ साथ हम करते रहेंगे, क्या ख्याल है सर? एक चीज आपने कुछ लेक्चर पहले कराई थी, उसमें असल में मुझे समझ ये नहीं आ रहा था कि आपने ना जुमले को फिर अंदर उसके फर्दर उसके अंदर जुमला इस्मिया चले गए थे बहुत सारे उसके अंदर ना, वो किस तरह से उसको ब्रेक करना था? वो अगर शुरू में 25 में शुरू में था, वो अगर उलाए का वो था जुमला था, क्वेश्चन भी पूछा था उसके हवाले से, और उन्होंने वो कौन सी उलाए का हुमुल मुफ्लिहून, जी हाँ शायद शुरू इसी तरह का हो सकता है। उलाए का मुब्तदा है और हुमुल मुफ्लिहून को फिर जुमला इस्मिया ले लें, हुम मुब्तदा और अल मुफ्लिहून। तो उसके अंदर भी आपने और फर्दर इसे जुमला उसमें तोड़े आपने ना, उसमें एक एक वो करके, तो वो समझ नहीं आता कि कैसे किए थे वो। अच्छा, उसको इतना ज्यादा, मैं आपको बताऊं, इतना ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमने मतलब समझना है, बेसिक को हम समझ लें, डिटेल हम किसी सेवन में जाके करते रहेंगे, क्या ख्याल है? मतलब क्वेश्चन क्विज में ऐसा कोई नहीं दूंगा कि जिसपे आप परेशान हो जाए यार अब ये क्या करना है, सादा सादा आएगा। ठीक है, तो अभी हम आते हैं किधर आए, चलिए आ जाते हैं قد نرى تقلب وجهك في السماء। अब इसमें मरफू अस्मा अगर मैं कहूँ कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, मरफू मरफू अस्मा नजर आ रहे हैं, बादु सर पूरे का पूछ रहे हैं, पूरे का पूरी पूरी इस स्लाइड पे कहीं पर मरफू इसम नजर आ रहा हो तो बताइए मुझे। जी पहली लाइन में क़िबलतन जो है मरफू, क़िबलतन मरफू पूछ रहे हैं, सॉरी मरफू पूछ रहे हैं, जी जी नहीं मैम मंसूब पसंद। حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق الحق مرفوع ہے جی جی عبد الحنان بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اللہ سر آپ نے وہ بتا دیا ابھی الحق تک کہ میں بھی پہنچا تھا صحیح ہے اللہ ٹھیک ہو گیا اس سے آگے چلیں کوئی اور बादू पी भी मैंने अंडरलाइन कर दिया कोई और नहीं आ रहा। अच्छा अब आ जाएं अल हक्कु अब्दुल हन्नान साहब आप ही बता दें, अब यहाँ पर दूसरे दो सवाल मुतवज्जे होते हैं बल्कि तीन। पहला ये क्यों मरफू है, अल हक्कु क्यों मरफू है अब्दुल हन्नान भाई? जी सर ये يعلم انه الحق من ربهم, तो ये सर अब फाइल तो नहीं हो सकता क्योंकि फाइल नहीं है की तरफ से, ये हक है, फाइल नहीं है, सही है। और फिर ये जो भी हमने मरफूआत में पढ़ा है
मरफूआत में एक दफा पढ़ बोलता हूँ, सुनिए कौन सा हो सकता है। फाइल मरफू होता है, नायब फाइल मरफू होता है, मुब्तदा मरफू होगा, खबर मरफू होगी, इन्ना की खबर मरफू होगी, इन्ना और उसकी बहनों की खबर मरफू, काना और उसकी बहनों इन्ना की, इन्ना की बहनें हो जाएगी फिर। इन्ना की बहन कौन सी है यहाँ पे? अन्ना की खबर है तो अन्ना का इस्म फिर क्या है? हु तो नहीं है? हु अन्ना का इस्म, ठीक हो गया। तो इस तरीके से अगला लफ्ज आ रहा है मल्लाहू, मबाबाजू, ये दोनों उस फॉर्म में आ रहे हैं जो हमने डिटेल से पढ़ा नहीं है, जिसको हम कहते हैं मा मुशाबेह बलैसा। सब आगे भी बता देना। अच्छा आगे आगे क्या था? पहला सवाल क्या होगा? ये क्यों मरफू है? पहला तो आ गया मरफू है कि अल हक्कु मरफू है, फिर दूसरा सवाल आया क्यों मरफू है, क्योंकि ये अन्ना की खबर है इसलिए मरफू है, ठीक। और तीसरा सवाल है कि इसमें रफा की अलामत क्या है? तो अल हक में रफा की अलामत क्या है जी? दम्मा है, ठीक हो गया। और ये मेरे रब्बी हम क्या हो गया? जार मजरूर, मिर रब्बी तो सिंपल जार मजरूर हो जाएगा। सर अन्ना हु जो है हु और मरफू हो गया भाई, अन्ना का इसम बन रहा है ना हु, तो अन्ना का इसम मरफू होता है, मंसूब होता है, मंसूब। लेकिन ये जमीर है, इसमें तो कोई चेंज आता नहीं है, तो हम फिर इसको कहेंगे मंसूब महलन। हु जमीर इस्म इन्ना मंसूब महलन, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं फी महल नस्ब। मल्लाहु बिगाफिलिन मैं अल्लाहु मरफू आ रहा है, और मा बादुहुम मैं बादू ये मरफू आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों मा के साथ आ रहे हैं, मा मुशाबेह बलैसा का इसम बन रहे हैं। तो ये चूंकि हमने डिटेल से नहीं पढ़ा, ऐसा सवाल आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अगली स्लाइड पे जाएं। एक दफा अन्नाहु में बता दीजिएगा, हु को हमने कैसे बोला था? प्लीज सॉरी माँ, नहीं उसको हमने नहीं बोला, छोड़ दिया है वो, चूंकि हमने स्टडी नहीं किया हुआ डिटेल से, तो हम छोड़ रहे हैं। मानी सर अन्नाहु में हु को हमने बोला था, अल्लाहु को नहीं बोला था, अल्लाह अन्नाहु 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 में हम कहेंगे हु जमीर, जमीर इस्मु अन्ना मंसूबुन महलन, इस्मु अन्ना मंसूबुन महलन। अल हक्कु मिन रब्बिका, यहाँ पे मंसूब देखें जी, मंसूब कौन कौन से आ रहे हैं? अल हक्कु मिन रब्बिका पूरी स्लाइड पे देखें, सर अल खैरात, अल खैरात। अच्छा जिन्होंने बताया, आप अगले दो सवालों के जवाब वही देंगी, अल खैरात ही आपने कहा ये मंसूब है, क्यों मंसूब है? सर ये मफूल है, फस्तबिकु, फस्तबिकु का मफूल है, ठीक। तो इसके मंसूब होने की अलामत क्या है? सर ये ता के नीचे जेर है ना, तो मुअन्नस जमा है, तो ये जबर मतलब मंसूब है, जेर जो है ये नसब की अलामत क्या है? कसरा सर जी, कसरा, नसब की अलामत कसरा है, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा जी उससे आगे चले, इन्नहु लल हक, इन्नहु लल हक किधर आ रहा है? चौथी लाइन पे, इन्नहु लल हक। इसमें कौन सा मंसूब नजर आ रहा है आपको? मंसूब ढूंढ रहे हैं हम अभी,
जमियन जमियन तो जमियन क्यों मंसूब है? सर ये कोई फॉर्म ऑफ मफूल है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा है मफूल की कौन सी वाली फॉर्म बनती है। नहीं, मफूल कैसे है, आप तर्जुमा करें। याति बिकुमुल्लाहु जमीअन, याति बिकुम ले आएगा तुम सबको, अल्लाहु अल्लाह, जमीअन सब के सब इकट्ठा करके। ये ज़र्ब तो नहीं है जी, तो ज़र्फ होगा क्या? ज़र्फ है ये, ज़र्फ ज़र्फ कैसे हो सकता है, सब के सब ज़र्फ होते हैं, सब के सब ज़र्फ में तो या तो टाइम होगा या प्लेस होगा, सब के सब में तो प्लेस या टाइम नहीं आ रहा इसमें कुछ। काइंड ऑफ मफूल मतलक है ये, जो मतलक हमने पढ़ा था, मफूल मुतलक मुतलक कह सकते हैं इसको, लेकिन ज्यादा बेहतर है इसको या तो हाल का आ जाए या तमीज का आ जाए। सर मफूल मतलब के लिए तो जरूरी है कि मफूल बन सकता, वो तो वर्ब का फॉर्म ही होना चाहिए, ना इसमें वक्त है ना इसमें वो जगह है, तो मुतलक है इसमें मफूल मतलब होता है ना। जी जी एक लेवल आगे की बात कर दिया आपने, इसलिए इतनी सारी रेजिस्टेंस आ गई है, ये नहीं हो सकता। तो बाज़ुकात मफूल मुतलक यूं भी हो जाता है कि जो है ना वो मफूल मुतलक छुपा हुआ होता है, उसकी सिफत के तौर पर आ जाता है। हम इसको यूं कहें याति बिकुमुल्लाहु इतियानन जमीअन, इस सूरत में बन जाता है, लेकिन हम उसको नहीं लेते, ये या तो यहाँ पर हाल बनेगा या इसको हम तमीज कह सकते हैं जमीअन को। तमीज तो किसी मुभाम को वो करती है ना, लेकिन यहाँ पे तो इभाम को, सॉरी, लेकिन यहाँ पे तो सब के सब है, तो ये याति बिकुमुल्लाहु ले आएगा अल्लाह तुम्हें, एक गुना इभाम यूं मौजूद है कि क्या सारे आएंगे या आधे आएंगे, कुछ आएंगे, पहले आएंगे, बाद वाले आएंगे, तो जमीअन ने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया, सभी आ जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, और उससे आगे मंसूब अल्लाह, क्यों है मंसूब? इस्मो इन्ना मंसूब, और नसब की अलामत क्या आ रही है? फतह आ रही है। अच्छा जी, आगे चलें। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हरामी, यहाँ ढूंढने को आ रहे हैं मंसूब वजह, कौन क्यों है मंसूब? मफूल, मफूल कौन सा? अब मफूल बिही, मफूल बिही, ये तो सिंपल वाला है जी, सिंपल वाला। और नसब की अलामत फतह, फतह। आगे चलें, शत्रा मंसूब है, क्यों है मंसूब? ज़र्फ है, तो ज़र्फ वाला मफूल कौन सा होता है? ज़र्फ वाला मफूल मफूल फी ही होता है। ठीक है, और ये भी इस तरह से अगर अल मस्जिदी के साथ ना आता और खाली शत्रा होता तो भी फिर ये मफूल फी होता, खाली शत्रा होता, खाली शत्रा आता नहीं है। देखें जो ज़र्फ है ना, ज़र्फ अमाम खल्फ तहफ़ ये किसी न किसी के साथ रिलेट करते हुए आएंगी, ये अकेली नहीं आएंगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अना जलस्तु अमाम, मैं सामने बैठा, उर्दू में तो हम कह देते हैं मैं सामने बैठा हुआ हूँ, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, लेकिन अरबी में जब हम बात करेंगे तो ये बताना पड़ेगा कि मैं किसके सामने बैठा हूँ, किसके पीछे बैठा हूँ, तो किस तरफ, तरफ रुख करना कहीं पर उर्दू में भी नहीं आता, तरफ रुख कर लो, यही कहेंगे मस्जिद की तरफ रुख करो, बाजार की तरफ रुख करो, स्कूल की तरफ रुख करो, इधर रुख करो, तो वो ये ज़रूफ़ जो हैं ये आमतौर पर मुजाफ ही आते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ आएगा जो इनका मुजाफ़ इलैह बन रहा होगा।
ठीक है। अच्छा जी आगे चलें। وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ شہزاد صاحب شطرہ کا مسجد حرامی مضاف علیہ ہوگا، المسجد مضاف ہوگا مضاف علیہ ہوگا اور الحرامی مسجد کی صفت ہوگی، شطرہ مضاف ہے المسجد مضاف علیہ ہی ہے اور پھر وہ مسجد موصوف بھی ہے اور الحرامی وہ مسجد کی صفت بن رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سر جب اگر آپ منصوب ہم سے پوچھیں گے اور یہ انا ہو ہے تو یہ ہو بھی تو ویسے منصوب ہے تو ہمیں یہ بھی مینشن کرنا ہوگا، یہ پوچھیں گے ہی نہیں، یہ ضمیروں والے کو اس طریقے سے نہیں ہم لیں گے، ہم وہ صرف کوئز میں وہی پوچھیں گے جو جیسے اللہ آیا وجہ شطرا جو سامنے نظر آ رہا ہے کوئز میں اس طرح کے آئیں گے آپ کے۔ سر ایک کوشچن ہے کبھی کسی موقع پر یہاں پر انشاءاللہ، اچھا آپ لوگ ہیں بھی کیو سی سکس والے، آج آپ لوگ اینڈ پہ جاتے ہوئے یہ رائے بھی دیں اپنے بارے میں، ہم سوچ رہے ہیں کہ جنوری سے کلاسز الفلاح میں اسٹارٹ کی جائیں آپ لوگوں کی صرف، تو اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے یہاں پر بھی بتائیں اور واٹس ایپ پر بھی اگر شیئر کرنا چاہیں یا مجھے پرسنل اس پہ واٹس ایپ پہ مجھے بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر 50% سے زائد لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے الفلاح میں شروع کر لی جائیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ الفلاح منزل سے کلاسز شروع کر دی جائیں، آن لائن والوں کے لیے آن لائن کی فیسلٹی بہرحال موجود رہے گی۔ تو بات کیا کر رہا تھا، ہاں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب پھر یہاں آ جائیں گے تو آپ کو پیپر دیا جائے گا اور آپ نے وہاں پر لکھنا ہوگا تو اس میں پھر اس طرح کے سوال ہو سکتے ہیں کہ ضمیروں کو بھی ڈھونڈیں اور ساری چیزوں کو چیک کریں، وہ آئیں گے۔ ابھی چونکہ ملٹیپل چوائس آ رہے ہیں اس میں اس طرح کا نہیں کریں گے کیونکہ وہ پھر کافی ساری کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی آگے سر نہیں آنا چاہتے سر، مشکل ہو جائے گا پیپر میں، ٹیسٹ آن لائن دینا چاہتے ہیں اور ویسے کلاسز میں آنا چاہتے ہیں والوں کا کیا ہوگا سر؟ آؤٹ آف اسلام آباد والوں کے لیے سر آن لائن تو چلتا رہے گا نا، آن لائن رہے گا، دو کلاسز لیں گے آپ آن لائن الگ لیں گے اور وہ آن سائٹ، نہیں وہی والی سیم کلاس آن لائن جا رہی ہوگی، لیکن پھر ٹیسٹ الگ ہو جائیں گے، پھر ٹیسٹ جو ہیں کوئزز الگ ہو جائیں گے دونوں کے، جی اس میں پھر ہم یہ آپشن اس وقت پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوئز یہاں کلاس میں دیا جائے اسی کوئز کا پی ڈی ایف آن لائن والوں کو بھیج دیا جائے اور وہ اس کا پرنٹ لے کر اپنے پاس اس کو سالو کریں، اس کو سکین کر کے وہ واپس بھیج دیں، ایک صورت یہ بھی ہے، خیر وہ تو جب شروع ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ اچھا چلیں ابھی تو یہ جو ہے یہ ایم سی کیوز میں ہی آنا ہے، اس کی تھوڑی سی تیاری ہم کر لیں۔ جی سسٹر سیما، سر یہ والے جو سلائڈز آپ دکھاتے ہیں ان کی کوئی وہ ہے ہمارے پاس جس سے ہمارے پاس بھی یہ سلائڈز آ جائیں، کوئی ایسا اس کا لنک ہو؟ اصل میں یہ والی سلائڈز لینے کے لیے نا آپ کو یہاں زحمت کرنی پڑے گی الفلاح آنے کی، صحیح پہلے صورت یہ تھی کچھ عرصہ پہلے تک جو ٹیکنالوجی کے ذرائع تھے ڈراپ باکس وغیرہ اس کے ذریعے ہم بھیجتے تھے تو یہ ایز اٹ از چلے جاتے تھے، اسٹوڈینٹس اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے اپنے پاس اور یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی بھی تھیں، کلک کر کے لنکس چلتے تھے، لیکن اب کچھ اپ ڈیٹس آنے کی وجہ سے اب یہ صورت ہے کہ ڈاؤن لوڈ تو ہو جاتے ہیں لیکن جو ہائپر لنکس لگے ہوئے ہیں سلائڈز پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مجبوری ہے۔ دوسری صورت وہ آپ کو بتایا گیا ہے پہلے بھی کہ جو ویب ورژن ہے الفلا ایزی قرآن عربک ڈاٹ کام اس میں یہ سارا میٹیریل وہاں پر ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وہ آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو آن لائن ہی یوز کرنا پڑے گا۔ سر ٹھیک ہے، لیکن ذرا یہ جو آپ نے لنک بتایا ہے الفلا والا یہ آپ گروپ میں پلیز شیئر کر دیجئے گا۔ جی میں کر دوں گا دوبارہ سے۔ ون مور تھنگ از سر، یہ تھوڑی سی پرسنل ہے لیکن اگر میں ابھی ہی کہہ لوں کہ میرے کیو سی فور کے سرٹیفکیٹس آ رہے ہیں تو اس میں مجھے یو ایس بی مل جائے گی اس کی کل پرسوں میں آئے گی؟ وہ کس کی یو ایس بی؟
ये जो स्लाइड्स हैं इनकी, इन स्लाइड्स की। अच्छा चलें भिजवा देंगे। अरे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आपने अभी बताया कि easyarabicgrammar.com में, फिर उसमें जरा सी एक आपको चीज देना चाहते हैं कि उसके अंदर हमारे पास बुक मार्क नहीं आता, तो जरा उसको अगर कुछ इसमें हो सके कि बुक मार्क ठीक है, हर दफा फिर उसको पूरा वेस्ट से शुरू करना पड़ता है, तो अगर उसके अंदर बुक मार्क इंक्लूड कर दें तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा जी। उस पर वो जो साथी काम कर रहे हैं उनको बता देंगे उसके अंदर ये अपडेट्स कर लें, और ये भी ध्यान में रखें वो अभी बिल्कुल बीटा वर्जन है, उसमें काफी सारी मिस्टेक्स भी आपको नजर आ सकती हैं, लेकिन बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह वो बना हुआ पूरा, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर उसमें हो सकता है तो उसमें इंक्लूड कर दें तो बहुत अच्छा। जी जी ठीक जी, जजाकअल्लाह, कर लेंगे। अच्छा अभी ढूंढे इसमें कोई और साहब, एक चीज आप बताइए, जो आपने जो लिंक भेजा हुआ है तो वो लिंक और जो अरशद साहब दिखाते थे उसमें तो फर्क आता है काफी, वो दोनों का लिंक क्या अलग अलग है? अरशद साहब ये दिखाते हैं जो अभी आपको नजर आ रहा है। जी जी, तो ऐसा ही नजर आता है उस पे, इजी कुरान पे बिल्कुल ऐसे ही नजर आता है, लेकिन जब आप किसी लफ्ज को क्लिक करते हैं और आप उस पे जाते हैं उसके, हाँ, वो चेंज है, वो इस वजह से चेंज है कि ये जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं, ये वो वेब वर्जन नहीं है, ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, जबकि वो जो है ना वो आप उसमें खोल रहे होते हैं, तो वहां पर डिफरेंस है। अच्छा जी मंसूब, हमें कोई और मिला? काफी सी बातों के दरमियान किसी ने ढूंढ लिए हो आगे वाले सारे मंसूब मजरूर वगैरह। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वजूहा, वजूहा आ रहा है आगे, वजूहा ठीक हो गया, वजूहा के बाद फिर नियमती के बारे में क्या ख्याल है? शत्रा भी है, शत्रा, ये तो सेम उसी पैटर्न पर आ रहा है जैसे अल मस्जिद अल हराम जी, वली उतिम्मा निअमती, वली उतिम्मा निअमत जो है, निअमत जो है ये मंसूब आ रहा है, ये लेकिन वो क्योंकि या की तरफ मुजाफ हो रहा है इस वजह से वो जेर के साथ आ गया। कंफ्यूज कर जाता हूँ थोड़ा सा, इसको जरा समझा देंगे लल हक को, ये इसको किस तरह, ये तर्जुमा देखे ना, तर्जुमे से समझ में आ जाएगा, तर्जुमा और बेशक वो हक में, लिल हक को हक है, या हक मेरे हक ये है। और या बेशक वो हक अपने मेरे अपने रब, तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से वो हक है, लिल हक, लल हक है ना, लल बोला भाई, लल हक मिन, वला कद का क्या तर्जुमा किया था आपने, वला कद यसरनल कुरान क्या तर्जुमा किया था, और बेशक और तहकीक जी, तो लाम का तर्जमा फिर वहां पर क्या हो रहा है, दो तर्जमे हैं, अलबत्ता तहकीक, कद तो तहकीक हो गया, तहकीक तो पीछे रह गया, अलबत्ता, अलबत्ता भी तहकीक ताकीदी के माना में, तो लाम यहाँ पर ताकीद वाला आ रहा है, अलबत्ता का मतलब इंग्लिश में कहें तो सर फॉर श्योर कहेंगे ना, श्योर फॉर श्योर, फॉर श्योर इंडीड, फॉर श्योर यकीनन, और जो लाम आता है जेर वाला लिल हक, तो वो फिर लिल हक क्यों ना होता, लिल हक की जेर के साथ मजरूर हो जाता, और उसका तर्जमा होता हक के लिए, लिल हक की हक के लिए, ठीक है ठीक है। बाकी जो तर्जमे लाम के हैं ताके वगैरह या चाहिए के, वो फेल के साथ आते हैं, इसम के साथ नहीं आते। अच्छा सर, इसका जी ये ताकीद के लिए है या के लिए के है, लिए है? ये लाम है कौन सा है, लल हक्कु ताकीद के लिए, लाम ताकीद है ये जी, ये फिर मजरूर नहीं करता, ये मजरूर नहीं करता, ये सर जो नेमत 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 आ है,
जी ये फाइल है नहीं फाइल क्यों है पीछे देखें वली उतिम्मा निअमती क्या तर्जमा है वली उतिम्मा और ताकि मैं और पूरी तमाम कर दी गई नहीं ताकि मैं पूरी करूं उतिम्मा ताकि वाला वाली वाली उतिम्मा उतिम्मा तो फेल हो गया वाली क्या है ली ताके ताके और ताके हाँ ठीक और ताके, ताके मैं मुकम्मल कर दूं मेरी नेमती मंसूब क्यों है सर देखिए ना मफूल बन रहा है ना मफूल बन रहा है या नहीं बन रहा बन रहा है जी किसी पे जोर है मुकम्मल करूं कौन मुकम्मल करे मैं मुकम्मल करूं क्या मुकम्मल करूं नेमत बिल्कुल सही जिस चीज को मुकम्मल करना है वो जाहिर है उस पर काम फेल का असर पड़ रहा है वाक्य हो रहा है वो मफूल ही होगा तो मफूल मंसूबा सही है मजहूल है ना उतिम्मा मजहूल है अच्छा ये एक आपने और सवाल उठा दिया बताएं जी उतिम्मा मजहूल है कौन बताए मजहूल है नहीं फेल मुजारे है फेल मुजारे है फेल मुजारे तो है मजहूल है या मालूम है ये बताएं नहीं मजहूल नहीं है मजहूल नहीं है अतम्मा युतिम्मु से अब बाकी खामोश हो जाएं जिन्होंने सवाल उठाया था कि ये मजहूल है वो बताएं क्या उनको ये बात क्लियर हो गई है कि ये मजहूल नहीं है नहीं सर मैं इसकी गर्दान करें ना मुझे समझ नहीं आया अतिम्मा अतिम्मू अतिम्मा है ना सर उतिम्मा है उतिम्मा अच्छा उतिम्मा है सर ठीक अभी थोड़ी देर पहले पहले तो इसको समझें उतिम्मा माजी है या मुजारे सलमान साहब सर उतिम्मा उतिम्मा तो माजी हुआ ना उतिम्मा उतिम्मू उतिम्मा माजी क्यों है सर मुझे इसकी वो समझ नहीं आ रहा इसका माजी क्या है तर्जुमा क्या कर रहा हूँ मैं वली उतिम्मा और ताके मैं मुकम्मल कर दूं ये माजी वाला तर्जुमा है मुजारे वाला मुजारे हो गया सर मुजारे हो गया मुजारे हो गया अब मुजारे अगर उतिम्मा आ रहा है तो मुजारे के आखिर में तो पेश आती है डिफॉल्ट में पेश होती है यहाँ जबर है क्यों जबर है ली की वजह से ली की वजह से जबर आ रही है तो इसका मतलब है ली एक्स्ट्रा है ली को हटाएं फिर ये क्या पढ़ेंगे सलमान साहब उतिम्मू पढ़ेंगे सलमान साहब उतिम्मू अतिम्मू वाहिद मुतकल्लम का समझ आया अतिम्मू वाहिद मुतकल्लम है ना उतिम्मू वाहिद मुतकल्लम जी तो उतिम्मू यहाँ पर है तो यहाँ नीचे फिर क्या आ जाएगा आपने इस जैसा कोई पढ़ा है उतिम्मू की तरह कोई टेबल्स जो हमने पढ़े हैं उसमें कहीं आया हो कोई करें जरा युदिल्लू क्या उदिल्लू और उतिम्मू मिलते जुलते हैं जी सर तो उदिल्लू मजहूल है या मालूम है मालूम है तो उतिम्मू भी मालूम है उतिम्मू भी मालूम है ठीक है सर मैं पेश से कंफ्यूज हो रहा हूं उतिम्मु भी मालूम है अब एक तो पेश और आखिर में जबर आ रही है तो वो जबर ली की वजह से है अभी थोड़ी देर पहले बात की थी पहले ली की वजह से अगर मजहूल होता तो फिर मीम पे भी जबर होती ना वो नहीं मुझे बीच में ये आ रहा है वो ता ते के ऊपर ता के ऊपर भी जबर होती ना क्योंकि वो मजहूल में मजारे को जबर दे देते है ना जबर होती जबर ली के साथ देखिये ली दो बताए थे मैंने कहा था एक ली जिसका तर्जमा करते हैं ताके और एक ली जिसका तर्जमा चाहिए के तो यहाँ तर्जमा क्या कर रहे हैं और ताके मैं मुकम्मल कर दूं अपनी नेमत तो ताके वाला जब ली होता है तो वो मंसूब कर देता है उतिम्मू को उतिम्मा कर दिया इसने और
अगर ये होता चाहिए वाला तो फिर ये जज़्म पे आ जाता। ठीक हो क्या? असर मेरे ख्याल में मजहूल के साथ ली नहीं आता, क्या ये सही है? नहीं आ सकता है, मजहूल के साथ के लिए आ सकता है। ठीक आ सकता है, मतलब इस फेल का ना हो किसी भी और जगह पे, फेले मजहूल के साथ ली ताके वाला आ सकता है, अमर वाला ली भी आ सकता है, लेकिन इस्तेमाल कुरान में मेरे ख्याल है शायद है ही नहीं कुरान में। जी सिस्टर सीमा। सर ये मुझे पूछना था, ये अतम्मा युतिमु ठीक है बाब इफाल से है, लेकिन अगर हम अतम्मा का मजहूल बनाएंगे फेल माजी का तो हम क्या बनाएंगे? उतिम्मा नहीं बनाएंगे? उतिम्मा बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले ली नहीं आता ना, फेल माजी से पहले कहीं ली नहीं आएगा ना। सर फर्क ये होगा कि फिर उससे पहले फेल माजी से पहले कभी भी ली नहीं आएगा। जी ये ली वगैरह अन लन ये सारे जो हैं ये फेल मुजारे से पहले आते हैं और इनका असर मुजारे पे नहीं होता है, ये चेन मुजारे में लाते हैं, आ ही नहीं सकते। ओके सर, आप कह रहे हैं कि ली दो तरह की होती हैं, यानी दोनों ली हैं, पहले तो था ना एक ला है, एक तो ला है, ला तो नहीं ली है, ली हैं, दोनों ली होंगे, दोनों ली हैं तो ली। अच्छा तो खाली उनके फिर आप उस लफ्ज को देख के आप अंदाजा लगाएंगे, तर्जुमा आप तर्जुमा देख कर अंदाजा लगाएंगे। मैं एक सेकंड में यहाँ कोशिश करता हूँ। सर ये जो दूसरा ली है जज्म वाला, वो तो मैंने इस तरह याद किया, वो हमेशा फल और वल के साथ आता है, उसको तो पहले ही जज्म होता है, ली तो आता ही नहीं है। फल और वल के साथ पता है, फल और वल के साथ बिल्कुल, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है ना कि हमेशा फल और वल के साथ हो, अक्सर फल और वल के साथ आता है। एक लफ्ज है ली यख रुजा और ली यख रुज, ये दोनों ली आए हैं यहाँ पे। अब ली यख रुजा का तर्जमा ये है ताके वो निकल जाए, ताके वो निकले, और लिया खुरुज का तर्जमा है चाहिए, उसे चाहिए कि वो निकल जाए या वो निकले। दोनों तर्जमा में डिफरेंस ली का समझ में आ रहा है, एक ली का तर्जमा ताके के साथ और एक ली का तर्जमा चाहिए के, एक पे मंसूब हो गया, एक पे मजूम हो गया, एक पे मजूम हो गया और एक पे मंसूब हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम यहां पर थे, मफूल होने की वजह से मंसूब इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा इसमें अगर हम मुजाफ मुजाफिले सिफत मौसूफ ढूंढे तो हमें क्या क्या नजर आ रहे हैं? फी सबीलिल्लाही में कौन कौन से एक मुरक्कब है या दो मुरक्कब है? जी सिस्टर अर्जुमन वारसी, फी सबीलिल्लाही कौन सी लाइन पे था? सॉरी मैं उसको एक मिनट, एक दो तीन चार पांचवी लाइन, पांचवी लाइन लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाही। जी फी सबीलिल्लाही, आपका सवाल क्या है? सॉरी मेरा सवाल ये है कि फी सबीलिल्लाही में एक कंपाउंड आ रहा है मुरक्कब या एक से ज्यादा है? जी एक तो आ रहा है फी सबीली, तो ये मुरक्कब जारी हो गया जी, और दूसरा है सबीलिल्लाही, ये हो गया ये मुरक्कब साफी हो गया, इजाफी मुदाफ मुदाफिले हो गया जी, मुदाफ और मुदाफिले ही हो गया। तो यहाँ हमें ये भी पता चल गया कि सबीली मुदाफ है और वो जी उसका सबीली का एराब, अगर मैं पूछूं तो सबीली का एराब यहाँ पर क्या है?
इसका इराब तो ये है ना, इसमें मजरूर है, सॉरी मजरूर है, दोनों मजरूर है, सबीली मजरूर है, और अल्लाह अल्लाह का भी है, नहीं अल्लाह ही को फिलहाल छोड़ दें, सबीली मजरूर है, क्यों है मजरूर सबीली? ये तो जर की वजह से फी आ रहा है, उससे पहले फी हर्फे जर आ रहा है, इस वजह से मजरूर आ रहा है। जी गुड, अच्छा जी, उसके बाद बशीर साबिरीना, कौन है हमारे साथ माइक्स जिनके ऑन है, उनमें से मैं नाम लेता जा रहा हूँ जिस जिस के माइक्स ऑन होंगे। जियाउर रसूल जुबैरी साहब जी, सर जी, बशीर साबिरीन कौन सा जुमला बन रहा है, जुमला है या नहीं पहले तो ये बताएं। बशीर सही है, फेल हमारा है, और बशीर साबिरी जो होगा ये जुमला फेलिया होगा, जुमला फेलिया हो गया, ठीक है, जुमला फेलिया है, तो एक फेल होता है जुमला फेलिया में, एक फाइल होगा और कभी मफूल भी नजर आएगा, तो ये बताएं फेल क्या है, फाइल क्या है, मफूल क्या है? बशीर फेल है, ठीक है, और हुआ इसकी इसकी जमीर जो है वो फाइल है, कौन सी जमीर है, हुआ की जमीर है, बशीर बशीर में हुआ है, तर्जमा करें बशीर साबिरीन में क्या तर्जमा करेंगे, खुशखबरी दीजिए साबरीन, कौन खुशखबरी देगा, खुशखबरी दीजिए आप, खुशखबरी दीजिए सॉरी आप, तो फिर बशीर का फाइल क्या होगा, अंता अंता, यस अंता, ठीक हो गया, ऐसा अंता होगा और साबरीन जो है वो मफूल होगा, मफूल हो जाएगा, तो साबरीन है मफूल है, इसका मतलब है ये मंसूब है, मंसूब है बिल्कुल, तो इनके नसब की अलामत क्या है साबरीन में, या नून जो है वो नसब की नून के ऊपर जो जबर है उसको देखकर कंफ्यूज ना हो के कह दें कि ये जबर है, जबर नहीं है बल्कि यहाँ नसब की अलामत या आएगी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, असाबत हुम मुसीबतुन, कौन इसको सर ये आखिरी नून को भी छोड़ दिया आपने, किसको ये नून, बाबरी ने कहा तो नून तो नहीं आता ना, नून फिर क्यों लिखा हुआ है, नून सर आएगा, नून जो है जिसके ऊपर जबर है जी, इसको क्यों लिखा जाता है जब इसको आप मंसूब पिछले लफ्ज को मान लिया उसके आगे क्या फंक्शन है गया? अब ये सर किसी अरब के सर पे जाके बैठेंगे उससे पूछेंगे भी ये तुम जब राब की अलामत या बनानी है तो फिर नून लगाने की जरूरत क्या है, सर ये जरूरत पेश आती है अगर हमने इसको मुजाफ बनाना हो, साबिरीना को मुजाफ बनाना हो तो उस सूरत में ये नून जो है ना इसके साथ कुछ हमें करना पड़ता है, ये नून गायब हो जाता है, तो इस नून का फायदा बहरहाल है, वो मुजाफ बनने की सूरत में हमें नजर आता है कि नून किधर गया और क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक हो गया, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत ठीक। असाबत हुम मुसीबत, पूछ रही थी सॉरी माफ कीजिएगा आपसे, जी जी, ये यहाँ पे जो ये लव है बशीर साबिरीन, तो ये बशीर तो निकला है, इसमें ये कसरा क्यों आ गया बीच में दोनों, अच्छा सवाल है, कौन जवाब देगा इनको, बशीर के आखिर में कसरा क्यों आया हुआ है, मिलाने के लिए, मिलाने के लिए आया ये यहाँ पे जज़्म का, लेकिन मिलाने के लिए, मिलाने के लिए आया, बशीर और असाबिरीन दो थे, जब दोनों को मिलाया तो मिलाने की वजह से फेले अमर है ये, जी फेले अमर है, असल जज़्म ही है, यहाँ आरजी तौर पर मिलाने के लिए कसरा आ गया, जी जी ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, वैया असाबत हुम मुसीबतुन, कौन करना चाहेगा, जी सर मैं करूं, जी सिस्टर फायजा आप करना चाह रही हैं, आप कर लें, जी सर, जी सर असाबा है फेल, असाबा या असाबत, असाबत फेल जी, और सर मुसीबत उसका फाइल है, ठीक है, और हम जो है ये मफूल है, मफूल है, ठीक हो गया, तो मुसीबत, अच्छा असाबत सर मुसीबत की वजह से मोनस आया ना फेल, मोनस आया, अच्छा मुसीबत अगर मैं पूछूं कौन सा सीगा है, मुसीबत सीगा कौन सा है, ये भी सवाल आ सकता है, कुछ सीगा भी पूछ सकते हैं ये कौन सा सीगा है सर, तो ये फाइल मुसीबुन असोबा युसीबु मुसीबुन, और तो ये इसमें फाइल है,
जी इस्म फाइल, इस्म फाइल ठीक हो गया। और इसका मस्तर क्या बनेगा मुसीबत उनका? सर इसको इस्मुल फाइल कहेंगे या इस्मुल फाइला कहेंगे? नहीं इस वो तो टर्म जो यूज की जाती है वो इस्मुल फाइल ही यूज की जाती है, बाकी अगर आप उसको मजीद जो है वो करना चाहें तो आप इस्मु फाइलतिन कह सकते हैं। सर ये मस्तर होगा इसका असाबतुन, मुफालतुन का मुसाबतुन, असाबतुन नहीं सर। नहीं। सर एक अब छह चाबियां करें, माजी मुजारे और छह चाबियां पूरी करें जी। सर असाबा युसीबु, युसीबु अमर असिब, असिब मुसीबुन, मुसीबुन मुसाबुन और इसाबतुन, इसाबतुन। तो कौन सा टेबल होगा? कौन सा बाब है? इफाल असलम जी, असलम। जज़ाकअल्लाह। आप ये बाब भी पूछेंगे इम्तिहान में? आप बाब भी पूछेंगे कि कौन से बाब से है ये? आप बताएं पूछना चाहिए या नहीं? मैं तो कहूंगी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे तो भी नहीं समझ आई पूरी तरह। तो मुझे भी अभी ये बाब बहुत मुश्किल लगता है, मुश्किल लगती है ये बहुत। इफाल तफील वाले नहीं पूछते, लेकिन इस्लाम तालीम वो तो पूछ सकते है ना? जी वो पूछ सकते हैं, इस्लाम तालीम ठीक है वो पूछ लेंगे। ये अल्लामा से है, ये हासबा से है, वो पूछ लेंगे। जी जी वो तो आपने पहले जो पढ़ाए थे 10-11 कौन से जनाब शहजाद साहब, जनाब शहजाद साहब जाराबाद सामिया, वो पैटर्न को छोड़ के इस पैटर्न में किधर चले गए दूसरे में? सर वो तीन हरफी थे ना, वो सुलासी मुजर्रद थे, ये मजीद फी ही हैं। अच्छा मजीद फी में भी आपने पढ़ाए थे असलमा जी और दूसरे जी आठ पढ़ाए थे, उनसे निकल के फिर आप इधर आ गए सर किसमें? इफाल तफील में। इफाल तफील जो है ना ये पीक है, एक्चुअली वही है ना सर, ये तो इफाल भी वही है ना, असलमा ही तो है जी। क्यूसी सिक्स का फर्क है ना, क्यूसी फाइव की अब क्यूसी सिक्स में भी आ रहे हैं ना, एक लेवल भी तो बड़ा है, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना, नया कुछ तो सीखना है। अच्छा तफील वाला आपने कहीं पे कोई रिवीजन कराई हो तो प्लीज उसकी भी वो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अच्छा चलें कर लेते हैं। अच्छा आप बताएं जी उलाइका अलैहिम सलावातुन कौन करेगा? सैयद सलमान अली, उलाइका अलैहिम सलावातुन। सर उलाइका तो मुक्तदा हो गया। बताएं पहले ये बताएं जुमला इस्मिया या फेलिया? सर ये जुमला इस्मिया है। इस्मिया है ठीक है, अब बताएं मुक्तदा और खबर। उलाइका, उलाइका जो है वो मुक्तदा है ठीक है ना, और उन लोगों पर अलैहिम अलैहिम लानतुल्लाह व मला, बस सर लानतुल्लाह था, ये पूरा बता दूं पूरा। ये आप कौन सा कर रहे हैं? वो मैं पहले वाला कर रहा हूँ, मैं सलावात भेज रहा हूँ, आप लानतुल्लाह भेज रहे हैं। सॉरी सॉरी मैं नीचे सर मैं सॉरी। अच्छा मैं परेशान हो गया, मैंने कहा मैंने तो सलावात की बात की थी, आप लानतुल्लाह भी आ गए। सर सॉरी माय मिस्टेक। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, सलावात उन तक करना है, मिन रब्बिहिम को छोड़ दो। सर उलाइका इसमें मुब्तदा है और सलावात जो है वो खबर है और अलैहिम जो है वो जार मजरूर है। अच्छा कोई इनको सेकंड करता है, इन्होंने ठीक किया है, या कोई किसी को लगता है कि इनसे कुछ रह गई है चीज तो ऐड करना चाहें? जकी साहब जार मजरूर शिबा जुमला खबर कहेंगे किसकी? अलैहिम सलावात, अलैहिम जार मजरूर शिबा जुमला खबर है, लेकिन उस खबर के लिए मुब्तदा क्या है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि खबर में खुद एक जुमला इस्मिया हो सकता है, उस हिसाब से देखें कहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है सर मैं आपने हिंट दे दी मुझे, ये होगा उलाइका, उलाइका मुब्तदा है और जुमला और इसकी जो खबर है वो जुमला इस्मिया के तौर पे आ रही है, सलावातुन अलैहिम, सलावातुन फिर मुब्तदा है और अलैहिम जार मजरूर शिब जुमला खबर है और ये ठीक है जुमला इस्मिया है जो खबर है उलाइका की। माशाल्लाह ये चीज करनी है हमने इंशाल्लाह, ठीक हो गया आगे चलने जी।
वमन तत्व, अच्छा इसको छोड़ दें, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंजलना, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंजलना, जी जुबैर इस्लाम साहब सर करेंगे जी इंशाल्लाह जी। इन्ना का इस्म है अल्लज़ीना, ठीक हो गया, तुमूना मा अंजलना इसकी खबर है, किसकी, जो इन्ना की खबर है, नहीं तर्जमा क्या बनेगा फिर, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंजलना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उस चीज को जो हमने नाजिल किया, किया तो इसमें तो खबर कोई नहीं है, अभी तो सिर्फ बात हो रही है कि उन लोगों की, हमने आपको याद होगा हमने पढ़ा था अस्माए मौसूला जब आते हैं तो उनके साथ जी यक्तुमूना मा अंजलना उसका सिला होगा, सिला बन जाएगा, यक्तुमूना मा अंजलना अल्लज़ीना के लिए सिला बन जाएगा, और यक्तुमूना मा अंजलना इसको करें ये कैसे होगा, यक्तुमूना फेलिया है, इसमें हुम है इसकी जमीर जो उसमें है, और जी फाइल होता है, और मा अंजलना जो हमने नाजिल किया, तो ये ना जो है ये मफूल भी हो जाएगा, और अंजलना भी अंजलना मफूल भी हो जाएगा, नहीं मा मफूल हो गया ठीक है, और ये मा फिर मौसूला आ गया ना, अस्माए मौसूला में से है ना मा भी, साथ फिर सिला आ जाएगा अंजलना, जी अंजलना फिर मा का सिला आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, यक्तुमूना फेल है, तो ये फेल के एराब को अगर हम देखें तो ये मरफू है मंसूब है मजजूम है, क्या आ रहा है इसको हम कैसे बताएंगे, मरफू है, तो रफा किस हिसाब से आ रही है, किस तरह से रफा नजर आ रही है हमें, वाओ से, नहीं फेल में बात की थी कि फेल में जब ये नून वाले होते हैं अफाल खमसा तो इनका रफा बिसुबूत नून होता है, हाँ जी बिल्कुल नून जाहिर है, बिल्कुल सही नून जाहिर है, तो हम इसको कहेंगे मरफू है बिसुबूत नून, नून बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया, अनत तवाबुर रहीम, सर 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 इसकी फिर जो आपने ये जो जो भी बताया तरकीब क्या होगी, हम इसको इस तरह दो दफा करेंगे, इन्ना हरफे तौकीद हो गया, अल्लज़ीना फिर वो इस्म इन्ना हो गया और इसमें मौसूला हो गया, फिर यक्तुमूना इसकी वो हो गया फेले मुजारे हो गया, और फिर दोबारा बोलेंगे हम कि माँ इसके साथ फिर एक और मौसूल आएगा, मतलब इसको कैसे, माँ का ताल्लुक यक्तुमूना के साथ है, वो अल्लज़ीना से रिलेटेड नहीं है, माँ जो है वो यक्तुमूना के लिए मफूल बनते हुए वो आ रहा है, बताएंगे सही उसको बारे, ठीक है सर थैंक यू, ठीक है जी, अनत तवाबुर रहीम, अनत तवाबुर रहीम जी, सिस्टर अमरा जी, सिस्टर अमरा जी 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 बताइए, आमिरा जो है ये है मुब्तदा, और तवाबुर रहीम जो है ये इसकी खबर नंबर एक तवाब है, और इसकी सिफत है रहीम दूसरी खबर है, ये भी नहीं तवाबुर रहीम मौसूफ सिफत है या खबर अव्वल खबर दोनों, खबर है दोनों खबर है, अच्छा ये मौसूफ सिफत क्यों नहीं हो सकते तवाबुर रहीम, ये दोनों सिफत है ना, ये दोनों सिफात है, ये वो बात है जो अभी थोड़ी देर पहले की थी के दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन के बावजूद ये जरूरी है कि जो पहला है उसके अंदर मौसूफ बनने की सलाहियत मौजूद हो, सलाहियत नहीं ये दोनों इसकी खबर नंबर एक सिफात, जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, तो आखिरी मिनट है, स्लाइड के बारे में ये स्लाइड्स के साथ जो इशारा आते हैं वो तो नहीं आएंगे क्विज में, नहीं नहीं वो नहीं आए, वो नहीं आते, वो नहीं आएंगे इशारात नहीं, जज़ाकअल्लाह जी, ये बड़ी फेवरेट किस्म की आयत आई थी मेरी, और टाइम हमारा खत्म हो रहा है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि, इसको कौन बताएगा जो जल्दी से बता सके, हाथ खड़ा करेंगे या किसी को मैं कह दूं, इन्ना फी खल्क़िस समावात आयत नंबर 164,
इसमें इतना बता दें कि इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर कहाँ है? इन्ना का इस्म तो जी सर ये पूरा इसका इस्म ही है मेरे ख्याल में समावाती वल अर्दी वगैरह सर आखिर तक शुरू कहाँ से हो रहा है इन्ना का इस्म फी खल्की समावाती से सर और फी खल्की देखिए इन्ना का इस्म क्या होता है यहाँ तक अलग वल अर्दी तक सर मंसूब होता है तो फी खल्की मंसूब है जार मजरूर सर ये पूरा इधर नीचे तक देखें फी खल्की जार मजरूर आ गया जी तो जो इन्ना का इसम होता है वो मुब्तदा होता है ना अगर इन्ना को हटा दें तो वो फिर मुब्तदा हो जाएगा तो अगर यहाँ इन्ना को हटा दें तो फी खल्की को हम मुब्तदा बना सकते हैं जार मजरूर तो मुब्तदा नहीं हो सकता जी तो फिर इन्ना फी खल्की क्या हो जाएगा जार मजरूर तो है आयातिन तक खबर है और ला आयातिन जो है असल में मुब्तदा वो है ला आयातिन जो है वो इस्मो इन्ना वो आखिर में बिल्कुल आ रहा है ला आयातिन लिकौमी याकिलून तो ला आयातिन जो है ये इस्मो इन्ना है और उससे पहले फी खल्क समावात वल अर्द वक्तिलाफिल लैल वन नहार वल फुल्क ये सारे वाओ वाओ के जो जरिए से ये सारा इन्ना की खबर बन रही है जो पहले आ गई है ठीक है फी तो खल्क फी खल्की असमावाती व फी खल्किल अर्ज व फी इख्तिलाफिल लैल वन नहार व फिल फुल्क ये फी सब के साथ आता जा रहा है ठीक है तो सर इसको हम कैसे कहेंगे हम कहेंगे इन्ना की इसम जो है लायात जी और इन्ना की खबर के पहले आ जाएगा शिबुल खबर मुकद्दम जी खबर मुकद्दम है इसमो इन्ना फिर क्यों मजरूर है इसमो इन्ना अच्छा आप बताएं इसमो इन्ना मजरूर है जी लायात है ये मौनस की जमा है तो ये आती है वैसे ये मंसूब ठीक है जी मंसूब है तो नसब की अलामत क्या है फिर ला आयातिन में इसमें कसरा है सर नसब की अलामत कसरा है यहाँ पे मंसूब बिल कसरा है तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी सर ये लिखवामी यहाँ पुलगुन पे रिकॉर्ड जुमला बनेगा फिर क्या करेंगे इसको क्या कहेंगे मतलब इसको इसका पार्ट कैसे बनाएंगे आयातिन को लिकौमी या पिलून को बस सिंपल जार मजरूर कह देंगे हम अच्छा या पिलून को क्या कहेंगे लिकौमी को तो हम जार मजरूर कह देंगे तो या पिलूना ये पूरा जुमला फेलिया कौमिन की सिफत बन जाएगा ओके ठीक हो गया तो अगर ये वाली आयत आए तो उसमें सवाल ये होगा कि इसमें इन्ना का इस्म कहाँ है और इन्ना की खबर कहाँ है ग्रामर हमने रिवाइज कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीजें जो थी जहन में वो हो गई और कुछ आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किए उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइज कर लिया हमने तो टाइम अब हो चुका 8:30 आपने बहुत अच्छा समझा दिया सर बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह बस मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी कि ये जैसे आपने जो नाम बताया है ना कि ये जुमला कौन सा है और ये तो ये हमें क्या जो किताब है उसमें से सब चीज़ें इसी तरह मिल जाएंगी जैसे आपने एक्सप्लेन किया है अभी ये जुमला इस्मिया जुमला फेलिया वगैरह हाँ नहीं और उसके अंदर बीच में जो आते हैं ना कि ये मुब्तदा ये इस तरह से आपने अभी जिस तरह पूरा डिटेल में बताया वो जो बुक जो है उसमें ये सारी चीजें मेंशन है वैसे ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज हुई है हां मेरे मुझे टर्मिनोलॉजी का ही था कि अच्छा उस किताब में है मेंशन जी अस्सलाम वालेकुम सर मैं ज़ाहिदा मज़र बात कर रही हूं वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह मुझे ये 35 और 36 जो पिछले दो रहते हुए है ना वो मेरे इधर मैंने वो नहीं कर सकी देख सकी वो भी प्लीज साथ जी वो भी साथ अच्छा। कर दें और ये भी साथ कर दें जी ठीक ठीक है इंशाल्लाह ठीक थैंक यू सर
वेलकम। ओके जी, ये 34 तक ही हुए, 5 में तो क्विज था हमारा इसका, और आज रिवीजन है। लास्ट 34 तक ही आया है ये रिकॉर्डिंग, अभी लेसन हुआ है। 34 हुआ है जी, और पिछले हफ्ते भी हमने रिवाइज किया था जी। नहीं, आधा सफा किया था पिछले हफ्ते उन्होंने जी, पिछले हफ्ते वाली जो है रिकॉर्डिंग वो शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह, एक हफ्ते की शायद रहती है, जी जी 33 वाली भी रहती है। 33 वाली हो चुकी है, आ गई है, वो लिंक शेयर कर दिया था, चेक कर ले, मैं दोबारा भी डाल दूंगा। और एक आप लोगों से शायद रिक्वेस्ट पहले भी की थी, चैनल को अगर आप वो सब्सक्राइब कर लें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, वो फिर अगर लिंक आपके पास ना भी हो तो आप वहां से देख सकेंगे। सर कौन सा चैनल? ये आपके पास जो वीडियो के लिंक्स मौजूद हैं उनमें से कोई भी एक लिंक खोलेंगे तो उस लिंक के नीचे, यानी वो वीडियो जो चल रही है उसी वीडियो के नीचे आपको एक छोटा सा रेड कलर का बटन नजर आएगा, लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको अगर लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो क्लिक कर लें, मोबाइल पे है तो उस पर टैप करें, टच करेंगी तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। कोई नहीं यार, मुझे तो नहीं नजर आ रहा सर, वीडियो जहाँ चल रही है उसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा छोटा सा। चले मैं, वीडियो जहाँ चल रही है सर वहाँ तो अल्फला मंजिल ही लिखा हुआ है और तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे एक तस्वीर सी वो खाका सा बना हुआ है बस। अच्छा चले मैं आपको एक और वीडियो शेयर कर दूंगा कि उसको आपने कैसे करना है सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सर। सर जल्दी कर दीजिएगा, मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती हूँ। सर यूट्यूब के ये बताएंगे, यूट्यूब के ऊपर वो शायद किसी और पे देख रहे हैं, यूट्यूब की चैनल के सब्सक्राइब जी, यूट्यूब पे वीडियो चलेगी जब तो वहां पर होगा। हाँ, वो कब चलेगी जी? यूट्यूब पर आप लिंक क्लिक करेंगी जब आप, तो यूट्यूब पे चलेगी वहां पे। अच्छा अच्छा, सब्सक्राइब करना है। ठीक है सर, ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, देखूंगी फिर अगले हफ्ते। सर अदद मादूद भी करवाए थे वो, तो उसकी प्रीवियन नहीं की हमने, इन आयात में तो अदद मादूद आए नहीं है ना, तो इसलिए छोड़ रहे हैं, जब आएंगे तो वहां पर उसको रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, जो क्विज होना है उसमें तो अदद मादूद नहीं है ना। हाँ चलें, इसलिए छोड़ दिया, थोड़ा सा बोझ कम हो गया ना। क्यों क्विज को और मुश्किल कर रहे? अच्छा जी, सुभान अल्लाह, ये तफसीर में से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे? तफसीर के नहीं आएंगे, तफसीर का क्वेश्चन नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे ये आयत आ जाती है जो सामने आपके, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए जी कि आयत नंबर 164 में कौन कौन सी चीजों को अल्लाह की निशानियां या निशानियां बताया गया है, तो वो तो आप निकाल सकते हैं। खल्क़िस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान की तखलीक, दिन और रात का बदलना, कश्तियां और आसमानों से बरसता हुआ पानी, फिर उसमें जानवर और चौपाए, हवाओं का चलना, ये तर्जमे से आप अखज कर सकती हैं, इस तरह के होंगे। बाकी डिटेल्स जो पीछे लंबी चौड़ी बातें हैं तफसीर की, वो नहीं है ना, वो हमारे कोर्स का हिस्सा है और ना ही हम उसको क्विज में कहीं शामिल करें। السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر، شکریہ۔